क्या हाल है आप लोग का? खैरियत? ठीक हूँ मैं भी। अच्छा, आप लोगों का किसी का बैकग्राउंड है इस सब्जेक्ट का? कोई, किसी ने बीएस किया हो, किसी ने बैचलर में पढ़ा हो, किसी ने मास्टर किया हो? एनीवन? नहीं का नहीं पूछ रहा, अगर कोई है तो यस लिख ले, वो मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो यस लिख ले। आयशा एंड असदुल्ला मोहम्मद नासिर। ठीक है। और कोई कोई सोशल साइंस वाले भी हैं या सारे नेचुरल साइंस के? किसी ने एमए इंग्लिश किया हो, किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी हो? ये लिटरेचर वाला? अच्छा ठीक है, लॉ वाले भी। तब ठीक। और किसी ने डराया तो नहीं है इस सब्जेक्ट से? हाँ, सिलेबस तो लेंथी है, लेकिन सिलेबस तो हर सब्जेक्ट का सीएसएस में लेंथी है, और सिलेबस पे आप नहीं जाते, आप पास्ट पेपर पे जाते हो कि पास्ट पेपर्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिलेबस तो आप इवन पंजाबी का देख ले, पश्तो का देख ले, पूरा खुशल खान लिखा है। आप खुशल खान ने सैकड़ों किताबें लिखी, बुल्ले शाह ने सैकड़ों किताबें लिखी, लेकिन अब ये तो नहीं कि पूरा बुल्ले शाह जो है ना, जो बुल्ले शाह ने सब कुछ कहा। बुल्ले शाह से रिलेटेड सीएसएस में क्या आता है? आपने तो सिर्फ वो पढ़ना होता है। एंड सेम इज द केस यार, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ना, वो लेंथी है यस, लेकिन वो सारे जो फिलासफर है ना, वो कौन पढ़ता है? वो उन्होंने भी नहीं पढ़े जिसने आपके लिए सिलेबस बनाया है, वो खुद मेरे टीचर्स है, मुझे पता है। अच्छा, एक ये बात भी होती है जो बैरिस्टर साहब ने कहा कि क्रेमिंग गलत बात है बैरिस्टर साहब, ठीक है, एक सेंटेंस का भी क्रेमिंग नहीं है। एक सेंटेंस का भी क्रेमिंग नहीं है, या आप लोग खुद एग्री हो जाएंगे। क्रेमिंग तो वो होता है ना, जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट लगाते हैं, या एमबीबीएस के स्टूडेंट लगाते हैं, या जो हम बच्चे थे मदरसे में मौलवी साहब लगवाते थे ना, हिलते हिलते हम रट्टे लगवा देते, फिर वो उसी वक्त भूल जाते थे, वो वाली चीज उसमें नहीं है। कॉन्सेप्ट है, और ऐसे कॉन्सेप्ट है ना कि एक बार आप जान लो बस कब्र तक नहीं बोलेंगे, ऐसी चीज है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा आप लोग को स्टॉप कर रहा हूं, मैं आप खुद कुछ बातें करना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपको भी, आपके कमेंट्स को भी ऑन करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता। देखो, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जब आप ऑप्ट करने जा रहे होते हो, तो आपके जहन में कुछ बातें होती है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ये चार पांच स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा।
जो सबसे बड़ी बात आपकी जहन में होती है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो ये होती है कि आया ये जो सब्जेक्ट है, मेरा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है इस सब्जेक्ट में, तो ये इजी होगा कि नहीं, मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं, ये सबसे आपकी बड़ी बात होती है आपके जहन में। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ये हर टीचर आपको बताएगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, हर टीचर अपने सब्जेक्ट की मार्केटिंग करता है, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे आपके साथ 12 तक लेक्चर हो गए, 12th लेक्चर, और इन लेक्चर्स में मेरे मुंह से एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं निकलेगा कि आपके सर के ऊपर से जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 100% ये सब कुछ समझ आ जाएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, ठीक है? यू डोंट नीड एनी बैकग्राउंड टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को करने के लिए। और हम फिर अगर किसी का है भी नहीं बैकग्राउंड, तो हम किस लिए बैठे हैं? हम आपको मास्टर बनाएंगे ना इस सब्जेक्ट का? तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप जब पढ़ेंगे तो आप इसके काबिल होंगे कि आप आगे, एक तरह का प्रॉमिस है ना, तो ये बहुत ही सब्जेक्ट। फिर दूसरी बात जब आपके जहन में होती है वो ये होती है कि आया ये सब्जेक्ट जो है ये स्कोरिंग है कि नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने तो स्कोर ही करना है, खासकर जो केपी वाले हैं, जो पंजाब वाले हैं। और यहां पे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी यहीं बैठे हैं केपी और पंजाब से, करता है। अब ये बहुत बड़ा स्कोर है, ये ना समझे कि ये कोई सीएसएस में कोई इतना वो मामूली बात नहीं है स्कोर का। तो एवरेज स्कोर के, और कभी इसमें इस तरह हीट नहीं हुआ कि लोग फेल हुए हैं, लोगों के 100 100 मार्क्स आए हैं, या पॉलिटिकल साइंस की वजह से वो अच्छे ग्रुप से रह चुका है, ये कभी इस सब्जेक्ट के साथ अभी तक तो नहीं हुआ। आगे हम नहीं जाते, कोई भी आगे नहीं जानता, ठीक है? अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये सब्जेक्ट हीट होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट ऐसा है, तो उसको कहेंगे लिख के दे दे, जो आप कह रहे हो ना ये लिख के दे दे, नो बडी नोज क्या आगे क्या होगा। लेकिन अभी तक जो हमारा जिसको हम देख रहे हैं वो ये है कि ये सब्जेक्ट आज तक कभी हीट नहीं हुआ है इस तरह के, इस सब्जेक्ट की वजह से या तो लोग फेल है या लोग अच्छे अच्छे ग्रुप से रह चुके हैं। एवरेज स्कोर ये हमेशा अच्छा देता है, आप खुद इसकी हिस्ट्री चेक करें। फिर तीसरी बड़ी बात ये होती है ना, तीसरी और आखिरी बात, कि ये जो सब्जेक्ट है क्या ये इफेक्टिव भी है, क्या जो मेरे बाकी जो सीएसएस के सब्जेक्ट है उसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं। अब जिस तरह अकाउंटिंग है, जिस तरह इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, इनका कोई रिलेशन नहीं है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। दो सब्जेक्ट्स आईआर और पॉलिटिकल साइंस, इनका दूसरे के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा है,
और मैं तो यही कहूंगा ना कि इस सब्जेक्ट का रिलेशन सबसे ज्यादा है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो ऐसे ऐसे का पेपर हो। तो ऐसे में लास्ट मन आपको एक दो ऐसे के टॉपिक इस तरह आते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स होते हैं, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मीडिया, ये सारा इस पे लास्ट मन ऐसे आता है। और वो सारे पॉलिटिकल साइंस के ही टॉपिक होते हैं। फिर प्रेसी के पेपर में भी बहुत दफा ऐसा होता है कि वो जो प्रेसी के लिए पैराग्राफ देते या कंप्रिहेंशन के लिए जो पैराग्राफ देते वो आप चेक कर ले, थोड़े से पास्ट पेपर चेक कर ले, वो ज्यादा दफा ऐसा हुआ है कि वो फिलासफी से उठाते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से। कभी वो रसल की फिलासफी होती है, कभी मॉन्टेस्क्यू की, कभी प्लेटो एरिस्टोटल पे बात हो रही होती है, कभी अल्लामा इकबाल की बुक से कोई चीज उठा लेते। अब मैं जब इधर पीएमएस का एग्जाम दे रहा था तो उसमें जो मुझे प्रेसी आया था वो पैराग्राफ मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, और मुझे जैसे ही आ गया मैंने कहा कि यार ये चीज तो मुझे पता है, जिस तरह मैंने पढ़ी और वो वाकई मैंने पढ़ी, वो अल्लामा इकबाल की बुक से उठाए थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, वहां से उठाए थे और वो बुक तो मैंने पढ़ी। तो कभी कभी ऐसा भी मतलब बहुत दफा हुआ है कि आप इधर एक चीज पढ़ ले तो वो आपके प्रेसी में भी आ जाए, कंप्रिहेंशन में भी आ जाए। फिर आपके ये जो करंट अफेयर्स है, पाक अफेयर्स है, देखो पेपर सेकंड में सिर्फ आपको एक पार्ट पढ़ा दूंगा, वो हम बात करेंगे कि क्या चीज मैंने आपको पेपर सेकंड में पढ़ाना है, बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ाना है। वो पेपर सेकंड जो आधा है वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स का टीचर पढ़ाएगा, और जो बाकी आधा है वो आपको करंट अफेयर्स का टीचर पढ़ाएगा। ये तो है ही पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स। पेपर सेकंड आप पास पेपर देख ले आपको लगेगा कि ये तो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का कोई मिक्सचर है, सिर्फ उससे वो 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को माइनस कर, बाकी यही होता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स को, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। चाहे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, वो तो सारा के सारा पॉलिटिकल साइंस में ही है, सर सैयद अहमद खान, कायद आजम वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो मॉडर्न टॉपिक्स है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वगैरह वगैरह, ये आपने इधर ही पढ़ना है, वो आपके वो टीचर्स पढ़ाएंगे। इधर फिर ओवरलैप ना हो जाए इसलिए अकेडमी की पॉलिसी ये है कि आप ना पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है ना कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ानी है, क्योंकि वो आपको बाकी अफेयर का टीचर पढ़ाएगा और करंट अफेयर का टीचर पढ़ाएगा। फिर इस्लामियात को देख ले, इस्लामियात में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है और इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका कंपैरिजन है, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत। वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न सिस्टम एंड इस्लाम, तो आपने वेस्टर्न सिस्टम को फिर क्रिटिसाइज करना होता है, उसकी डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करना होता है थ्रू इस्लाम। और मैं आपको फिर अल्लामा इकबाल समझा दूंगा कि अल्लामा इकबाल किस तरह वेस्ट को देखता है, मगरब को, और आप फिर इस्लामियात के पेपर में भी अल्लामा इकबाल को पुट कर सकते हो, उसको कोट कर सकते हो कि भाई मैं तो नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल कह रहा है। और अल्लामा इकबाल से बड़ी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में, ये आपको पता है, वो आपका नेशनल थिंकर है, वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो ये फिर देखना, ये आपके इस्लामियात के पेपर में भी हेल्प आउट करेगा। फिर क्या है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर सब्जेक्ट माने जाते हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एक गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, जीपीपी।
ये पॉलिटिकल साइंस के डॉटर सब्जेक्ट है, ये 50% पॉलिटिकल साइंस ही है और कुछ नहीं। वही थीरीज, वही चीजें, वही सब कुछ वही। फिर चाहे आप यूएस हिस्ट्री रख रहे हो या यूरोपियन हिस्ट्री रख रहे हो, दोनों का ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस से लाजमन है। यूएस हिस्ट्री का फिर बहुत ज्यादा है, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है यूएस का वो भी यूएस हिस्ट्री का हिस्सा है। और यहाँ पे वो हम उस पॉलिटिकल सिस्टम पे 4-5 घंटे लगाते हैं उसको पढ़ने का, पूरा डिटेल से पढ़ लेते। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी में आप किसको पढ़ते हो? कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो, मैक्स वेबर को पढ़ते हो, इब्ने खलदून को पढ़ते हो, ये सारे आप पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हो। एंथ्रोपोलॉजी में आप किसको पढ़ते हो? कार्ल मार्क्स है, इब्ने खलदून है, ये थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, इन लोगों को आप पढ़ते हो। और ये इधर भी है, ये हम इधर भी पढ़े। जेंडर स्टडीज में क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म है, लिबरलिज्म है, ये सारे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है जो जेंडर स्टडीज में। ये जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारे सोशल साइंसेज है। इन्वायरमेंटल साइंस और एक का दुका को हटा दे के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बॉटनी, इनको हटा के बाकी ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, दे आर सोशल साइंसेज एंड पॉलिटिकल साइंस इज द मदर ऑफ सोशल साइंस। ये उन सब की माँ है, ये किसी ना किसी जमाने में इस सब्जेक्ट के पार्ट हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अलग सब्जेक्ट के तौर पर डिवेलप हो गए। एक सब्जेक्ट है जिसका पॉलिटिकल साइंस के साथ 100% कनेक्शन है, 100% वो पॉलिटिकल साइंस ही। लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट है ना, उनको मैं रिकमेंड करूंगा, और जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है ना, वो सब्जेक्ट ना रखे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पेपर्स भी बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस की तरह लगेंगे, आपको उसका कोर्स भी बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस वाला है और कुछ नहीं है उसमें, 100% पॉलिटिकल साइंस ही। और क्वेश्चन भी सेम आते हैं वहां, पॉलिटिकल साइंस में भी आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर एंड फंक्शंस हैं। और यही क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पूछते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर एंड फंक्शन। तो जब आप इसको पॉलिटिकल साइंस में हल कर रहे हो, तो बस आप बता रहे हो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन, बस बताते जाओ। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, तो फिर इस तरह की जब आप बात करेंगे ना कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, तो आपने फिर वो जगह भी बताना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल वो ये कर सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस। देखो पाकिस्तान पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 10-12 आर्टिकल तो आप वैसे भी ऐसे के लिए भी याद करेंगे, वीमेन पे आपने ऐसे लिखना है तो वीमेन का आपको पता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल उसको डील कर रहा है। मीडिया पे आपने ऐसे लिखना है, मिलिट्री रिलेशन पे आपने कुछ लिखना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फिर आपने आर्टिकल्स लिखने होंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, वो आपसे क्वेश्चन भी ये कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये चीज कैसा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 क्लॉज 8 यूएस कांग्रेस के पावर एंड फंक्शंस बयान करें उस आर्टिकल के तहत। तो यहाँ पे जो लॉ के स्टूडेंट है उसके लिए फिर तो इजी है, उसको पता है कि हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू राइट एन आंसर। लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट है नहीं, उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी वो सारा का सारा है ही पॉलिटिकल साइंस, उसमें कोई और चीज नहीं। तो आपके ये पॉलिटिकल साइंस जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये इजी भी है, डोंट वरी अबाउट दिस,
फिर दूसरा ये स्कोरिंग भी है, एवरेज स्कोर ये अच्छा देता है, और तीसरा ये मोस्ट इफेक्टिव सब्जेक्ट भी है। फिर आपको आपको बहुत चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पॉलिटिकल साइंस में ही आपके कवर हो जाएंगे। समझ आ गई मेरी बातें? अभी आपने कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन बस मैंने आपको ये, फिर मैं आपको बता दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। उससे पहले आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो कंफ्यूजन मैं आज आपका कंफ्यूजन ही खत्म करूंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। है किसी का कोई कंफ्यूजन? वो महमूद शाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर है महमूद शाह, मुझे लगा कि वो है। तो महमूद साहब, वो मैं आपको फिर बता दूंगा, वो बात की बात है, ठीक है? वो मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट वरी अबाउट द मटेरियल, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यस शाहरुख, यस, ये मैं आपको बात बता रहा था। आप पेपर देख ले, फिर उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अरे पहले तो मैं बातें फिर करो ना, ये बुक भी, डोंट वरी मरियम, या भी मैंने बताया, ठीक है? ये बात की बात है, सिलेबस पे भी महमूद शाह भी बात करते हैं, ठीक है? महमूद शाह सिलेबस पे भी अभी बात करते हैं। तो किसी के लिए भी मैटर करता है मोहम्मद नासिर। बिलाल 12th तक लेक्चर होंगे, 12th। मतलब आपका कोई क्वेश्चन नहीं? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं वेट कर रहा हूं, दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन। कोई ढंग का क्वेश्चन है तो करें। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असदुल्ला मैं पढ़ा दूंगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ा दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन से के बाद जो चीजें हैं ना, वो पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के हैं, वो मैं आपको नहीं पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने ही पढ़ाना है, और किसने पढ़ाना है? हाँ, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी एक अलग टीचर आपको पढ़ा रहा है। 4-5 क्लासेस उसके सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे होते हैं। 4-5 क्लासेस मीन 15 आवर्स, 15 घंटे वो सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे लगाते हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में, ठीक है? ये शाजिया, दिस डिपेंड ऑन एकेडमी, नॉट ऑन मी, आई एम अवेलेबल। अगर एकेडमी अरेंज करती है तो मैं एकेडमी का नौकर हूं, वो एकेडमी तो जब मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। यस मोहम्मद नासिर, यही मैं आपको बता रहा था। अब इसमें ऐसे ऐसे थिंकर है ना मोहम्मद नासिर, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ये डाले है ना, उन लोगों को भी मैं जानता हूं। मैं इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस। मैं खुद यहां पे बनो का ऐसी हूं, लेकिन इस सब्जेक्ट में साथ साथ पीएचडी भी कर रहा हूं। तो इसमें ऐसे भी थिंकर्स हैं जो, जिन्होंने डाले ना, मैं कसम से आपको कह सकता हूं कि उनको नहीं आते। अब वो काल पोपर पे आपको क्वेश्चन देगा तो कौन चेक करेगा? हम अमेरिका भेजेंगे कि ये तो जरा चेक करके भेज दे, कौन वो आपको देखो, मैं आप उस चीज पे असेस कर सकता हूँ जिसका मुझे खुद तो अंदाजा हो। अब इसमें से 3-4 राइटर्स ऐसे भी हैं, थिंकर्स ऐसे भी हैं जो लोगों ने खुद भी नहीं पढ़ेंगे, इन लोगों ने खुद भी नहीं पढ़े, मुझे पता है।
वो तो जस्ट आपको प्रेशर देने के लिए, जस्ट आपको पैनिक करने के लिए, कि आप पैनिक हो जाए. यस, मैं मुझ रहा, मेरा तरीका भी ये है, मैं इधर उधर नहीं जाता. जो टॉपिक है ना, मैं इस तरह पढ़ाता हूं कि देखो ये आपका टॉपिक है और ये आपका क्वेश्चन आया है इस टॉपिक के ऊपर, ये आपका स्टेटमेंट आया है. इस तरह स्टेटमेंट आपको देते हैं, और अगर इस तरह स्टेटमेंट दे दे तो आपने ये आंसर करना है, और अगर इस तरह स्टेटमेंट दे दे तो आंसर लिख ले, मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, और फिर जब आप ये क्लासेस ले लेंगे, फिर 12 क्लासेस हम खत्म करेंगे, फिर पास पेपर देखें, कोई भी उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा. इक्का दुक्का तो मैंने आपके ऊपर भी छोड़ना है कि आप खुद तैयार करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको तैयार करूंगा, वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, इक्का दुक्का मैं आपके पे छोड़ूंगा कि आप खुद तैयार करें, फिर उसके बाद आप पास पेपर को देख ले, उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको आता नहीं होगा. नो आयशा, नो आयशा, आपको तो पता है इसमें बहुत सारी चीजें. उसामा, अगर आपने वो नहीं, देखो नोट्स जो है ना एकेडमी के, वो मेरे नहीं है. एकेडमी मुझे कह रही ना कि किताब लिखो, मैं किताब नहीं लिख सकता. किताब लिखने के लिए आपको कम से कम 500 किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं पढ़े, मैं क्यों जुड़ बोलू, तो मैं नहीं लिख सकता एक क्वालिटी वाला किताब. तो मैंने ऐसा किया है कि जो FPSC ने रिकमेंड किए हैं कि ये बुक्स पढ़ो आप, वो पूरे पूरे बुक्स आपने नहीं पढ़ने हैं. किसी बुक में आपके 2 चैप्टर होते हैं, किसी बुक में आपके 3 चैप्टर होते हैं, किसी बुक में आपके 4 चैप्टर होते हैं. वो 2 चैप्टर, वो 3 चैप्टर, वो 4 चैप्टर सारे उस बुक से मैंने इकट्ठे किए और कॉपी करके कंपाइल किए. ये नोट्स है, वो आपके रिकमेंडेड बुक्स के पेजेस हैं. कुछ उसमें मेरे हैंड रिटन भी हैं, कुछ उसमें आपको इंटरनेट के आर्टिकल्स भी मिलेंगे, और मैंने खुद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा. शाहरुख अभी बता दिया ना कि मैं इस सब्जेक्ट का PhD, मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, बस थीसिस बाकी है, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा, इधर मैं फंस गया. बारह लेक्चर तो 12 दिन में भी मैं कहूँगा, अब डिपेंड कर. यस, हो जाएगा दनियाल भाई, इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे. ठीक हो गया. अभी फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, क्या क्या हमने इस सब्जेक्ट में चीजें पढ़ी. ये आपका ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है. आज आपका सारा जो माइंड है ना, वो मैं क्लियर करा दूंगा अबाउट दिस सब्जेक्ट. सो शैल आई स्टार्ट? स्टार्ट करूं? ठीक है, जब मैं स्टार्ट हो जाता हूं ना, तो मैं अपने स्टूडेंट को खामोश करता हूं, ये इस पे आप माइंड ना करें, साइलेंट. ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना कि ये 200 का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये 200 का सब्जेक्ट है, ये आपको पता है आई होप. और अगर 200 का सब्जेक्ट है तो इसमें 2 पेपर्स है, ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं ना. मैं आपको बता दूं कि इक्का दुक्का ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं कि जब वो सब्जेक्ट सिलेक्शन हम करवा रहे हैं, तो वो एक ने ऐसे को क्रॉस किया था, ऐसे पे रेड क्रॉस लगाया था. मैंने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि सर मैंने ऐसे नहीं रखना है. मैंने कहा क्यों? ये सर फेल होता है बहुत दफा, बहुत ज्यादा फेल होता है, ये मैंने नहीं रखना है. मतलब ऐसे वो वाला स्टूडेंट तो नहीं हो ना आप, क्या आपको ये नहीं पता कि ऐसे कंपल्सरी है? अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि वो वाला स्टूडेंट आप नहीं हो, आपने थोड़ा सा वो किया है, थोड़ी स्टडी की है. तो 2 पेपर्स हैं, और इसमें एक पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड है, और ये आपने एक ही दिन में कर रहे. अब जो पेपर फर्स्ट है ये क्या है, इसको हम पेपर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट पेपर. ये जो पेपर फर्स्ट है ना, इसमें आप 80 को भी क्रॉस करते हो, ये स्कोरिंग.
ये स्कोर वाला जो पेपर है वो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड में इतना स्कोर नहीं आता, इसमें 80s में आता है अगर आप इस पे वो स्ट्रगल करें, और दूसरे में 60s में आता है, इस तरह का वो स्कोर देता है। तो पेपर फर्स्ट जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो मेन पार्ट्स हैं पेपर फर्स्ट के, और एक पार्ट का नाम है पॉलिटिकल फिलॉसफी। एक ये पार्ट जिससे आप डरते हो, जिसको आप नजर पड़ता है तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार इतने सारे फिलासफर कौन पढ़ेगा, पॉलिटिकल फिलासफी। और दूसरा पार्ट है पेपर फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट के ही ये हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दो पार्ट से पेपर फर्स्ट के, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और एक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ना पॉलिटिकल साइंस के, ये आपने लाजमन पढ़ने हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो या नहीं रख रहे। ये ऐसी चीज है ना कि यू आर सपोज टू नो अबाउट ऑल दोज प्रिंसिपल, नॉट दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस, बट बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ सीएसएस, सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस यू आर सपोज टू नो ऑल दोज प्रिंसिपल ऑफ पोलिटिकल साइंस। इसमें क्या है, इसमें ये है कि स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज सॉवरेंटी, व्हाट इज लिबर्टी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या है, पार्लियामानी निजाम क्या होता है, सदारती निजाम क्या। आप देखो बार बार आपको ये कौन सा सिस्टम बेहतर है, पार्लियामानी निजाम बेहतर है या सदारती निजाम बेहतर है, तो आपको तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि ये सिस्टम है क्या। आप ऐसे वैसे तो चवल नहीं मार सकते ना कि ये अच्छा है और आपने बताया भी नहीं है कि इस सिस्टम में क्या होता है। पाकिस्तान अफेयर्स में ये पूछ रहे हैं बार बार, ये बहुत बड़ा डिबेट है पाकिस्तान में, तो आपको ये चीजें वैसे भी आनी चाहिए कि पार्लियामानी निजाम क्या होता है, सदारती निजाम क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और ये आपको वैसे भी आना चाहिए क्योंकि आप सीएसएस कर रहे हो। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है इसको फिर से दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं मजीद। एक पार्ट किसका है, वेस्टर्न है, वेस्टर्न फिलॉसफी, और दूसरा पार्ट क्या है, मुस्लिम फिलॉसफी। अब आज से मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आपने पढ़ने हैं ये वेस्टर्न फिलॉसफी में, आपको पढ़ा के ना आपको मुकम्मल तौर पे काफिर बना दूंगा, गुमराह, आई एम गोइंग टू गुमराह, मैं आपको गुमराह करूंगा मुकम्मल तौर पर। लेकिन मैंने आपको गुमराही पे फिर नहीं छोड़ना है, फिर दोबारा आपसे कलमा भी पढ़वाना है, ये मुस्लिम फिलॉसफी भी। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी ना कि आपको शॉक करेगी कि क्या है। ठीक है, ये फिलॉसफी है, और फिलासफी का मैं आपको आज से बता दूं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिलासफी का किसी भी दीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फिलासफी दूसरा नाम है किस चीज का, लॉजिक, लॉजिक। और लॉजिक में आपने एक चीज का आंसर करना होता है, हाउ, कैसे, और इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, हिंदुइज्म है, जितने भी, दे आर बेस्ड ऑन मेरिकल्स। अगर आप मेरिकल्स पे बिलीव करते हो ना, फिर आप रिलीजन में आ सकते हो। अगर आपका मेरिकल पे बिलीव नहीं है, देन यू आर नॉट अ रिलीजियस पर्सन। अब देखो, आप किसी को कह रहे हो कि भाई, दावत दे रहे हो ना कि भाई मुसलमान हो जाओ, कोई नॉन मुस्लिम है आप उसको मुसलमान कर रहे हो, तो भाई मुसलमान हो,
वो कहता है कि ठीक है मुसलमान हो रहा हूं, क्या करूं मैं भाई, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लिया। नेक्स्ट भाई, इस्लाम में पहला हुक्म नमाज का है। अब वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज नमाज, आपका जवाब क्या है? भाई ये तो मिराज वाकई पे हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कम वक्त में ऊपर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए हैं और वहां से ये गिफ्ट की शक्ल में लेकर आए हैं ये नमाज, इतने ही कम वक्त में वो ऊपर गए हैं और वापस आए हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पे तशरीफ ला रहे हैं तो दरवाजे की कुंडी भी हिल रही है। ये आपका आंसर है। अब यहां पे वो आपका दोस्त पूछेगा ना कि हाओ कैसे भाई, अब ठीक है हम कह रहे हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी है टाइम एंड स्पेस एंड दिस एंड दैट, लेकिन रॉकेट पे गया है, सीढ़ियों पे गया है, कैसे गया है, कैसे गया है? तो फिर हमारा आंसर क्या है भाई? अल्लाह ताला के फजल से गया है, अल्लाह ताला के फजल से गया है। और मैं आपको आज से बता दूं कि फिलासफी अल्लाह ताला के फजल को नहीं मानती। लॉजिकली प्रूफ करो ये जो आप बात कर रहे हो, ये तो मेरिकल है जो आप बता रहे हो, मैं तो मेरिकल को नहीं मानता। लॉजिकली बता दूं कैसे किया है, कैसे ये हुआ है? तो इस्लाम में आपको पहले हमारा इस्लाम बताता हूं ना कि वो मेरिकल, मूसा अलैहि सलाम डंडी मारती है 12 रास्ते, कैसे कैसे दरिया में 12 रास्ते आ जाते? तो आपने कैसे का यहां पे जवाब देना होगा। देखो इंसान के फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं अपने आप से करते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने क्या करना है, मैंने किधर जाना है, मौत क्या है, मौत के बाद, ये आप सोचते हो अपने आप से पूछते हो ये क्वेश्चन, ये आपके बुनियादी सवाल आते हैं। और इन सवालात का जवाब देने के लिए आपके पास 3 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है? वो रिलीजन है। रिलीजन आपको सारे आंसर करता है, सारे आपके हर क्वेश्चन का आंसर है रिलीजन में। कहां से आए हो, क्या आपने करना है, आपने या इधर जाना है या इधर जाना है, इधर जाने के लिए ये रास्ता है, इधर जाने के लिए ये अमाल है, और वो आपकी अबदी जिंदगी होगी फुल स्टॉप। और रिलीजन अपना सोर्स ऑफ नॉलेज क्या बताता है? वही रिवेलेशन, वही बताता है ना। कोई पैगंबर ये भी आपने आपसे बात करता है नहीं, हर पैगंबर कहता है कि ये तो जिब्राइल, जिब्राइल अमीन लेकर आया था मेरे पास, अल्लाह का कलाम, अपनी तरफ से वो नहीं कह रहा। उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है? रिवेलेशन, वही। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है आपके पास वो है साइंस। साइंस, साइंस भी तो आपको आंसर करते हैं ना कि आप क्या थे और क्या होंगे। आप तो बंदर थे, आप तो कुछ मिलियन साल पहले चले जाएं, आप तो बंदर थे और इवालो हो के आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है ना, और आपने इवालो किया और आप इंसान बन गए, और आपका जो फ्यूचर है ना वो तो सुपरमैन में है। यू विल बी फास्टर देन बुलेट एंड हार्डर देन स्टील। अगर आप अपने सारे क्वालिटीज को अवेल करें जो आपके अंदर है तो आपका फ्यूचर सुपरमैन में है। और जो साइंस है वो अपना सोर्स ऑफ नॉलेज क्या बताता है? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये उसका सोर्स ऑफ नॉलेज है। और तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यही है, फिलॉसफी है। ये भी आप आंसर करेंगे, देखना हर चीज की आंसर करेंगे। और इसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज होगा वो क्या होगा? वो विजडम होगा, विजडम, अकल। ये अकल की बुनियाद पे बात करेंगे, और अकल से मावरा ये हर चीज को नहीं मानेंगे। तो मैं आपको पहले से ये थोड़ा आपके जहन में डाल रहा हूं कि आपको ऐसी चीजें मिलने सुनने को मिलेगी जो आज तक आपने नहीं सुनी, और वो थोड़ी सी खतरनाक बातें भी होंगी, लेकिन हमने तो उसे पेपर पास करवाना है।
लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको फिर इस्लाम भी सही मानों में समझा दूंगा, ये वाला इस्लाम नहीं जो अभी सही मानों में मैं आपको इस्लाम फिलासफी, इस्लाम के पीछे फिलासफी, इस्लाम के पीछे क्या अकल है वो भी मैं आपको बता दूं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इतनी इंटरेस्टिंग चीज आपने कभी, जिसे आप डरते हो ना फिलासफी, ये देखना, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगी आपकी लाइफ में। जो आप वेस्टर्न फिलॉसफी को देखते हो अपने सिलेबस में, तो एक बंदे का नाम लिखा है, उस बंदे का नाम है प्लेटो, जिसको हम कहते हैं अफलातून, उर्दू में हम इसको अफलातून बोलते हैं। और ये किस एरा का फिलॉसफर है, ये 400 बीसी, बीसी आपको पता है कि बीसी हम किसके लिए यूज करते हैं, ये इस एरा का 2500 साल पुरानी बातें होगी। और ये कौन सा सिविलाइजेशन होगा, ये ग्रीक सिविलाइजेशन होगा, उसमें ये बनता है प्लेटो। और प्लेटो का एक टीचर है जिसका नाम है सोक्रेटिस, जिसको हम उर्दू में सुकरात बोलते हैं, सोक्रेटिस, ये प्लेटो का टीचर है। अभी जो सॉक्रेटिस होता है ना, ये ऐसा करता है कि ये क्वेश्चन रेज करना शुरू करते हैं, ये सोचता है, ठीक है, ये सोचता है चीजों पे, और जब आप चीजों पे सोचने लग जाए ना, तो उन चीजों के बारे में आपके शक पैदा हो जाते हैं, कोई भी चीज। और जब शक पैदा हो जाता है ना, तो आप क्वेश्चन करते हो उस चीज पे। अब ये जो बंदा है ना, ये ग्रीक के गॉड्स पे क्वेश्चन कर लेता है कि ये जो आप गॉड्स को फॉलो कर रहे हो ना, आपने कभी सोचा है ये गलत तो नहीं है, ये झूठ तो नहीं है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे, उनके सोशल सिस्टम पे, उनके सच पे ये शक करता है कि जिसको आप सच मानते हो वो मुझे झूठ लग रहा है, ये सच नहीं है। इनके गॉड्स पे क्वेश्चन, इनके रिलीजन पे क्वेश्चन रेज करता है। और अगर मैं अभी क्वेश्चन रेज कर, देखो एक आइडिया आ रहा है फॉर 100 फॉर 1000 ईयर, एक आइडियोलॉजी आ रही, उसको मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं, तो लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने कल देख, आज भी क्वाट यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट बाल बाल बच के, नहीं छोड़ देना। अभी मैं कोई क्वेश्चन रेस करता हूं ना, तो वो जो सिस्टम के ठेकेदार है, चाहे कोई भी सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उस सिस्टम के अपने अपने ठेकेदार होते हैं, उस आइडियोलॉजी के पीछे उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर मैं उस पर क्वेश्चन रेस करना शुरू करूँ ना, तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि उसकी दुकान को खतरा है, दुकान बंद हो जाएगा। और यही ये खतरा ये बंदा भी क्रिएट करता है, सुकरात, सोक्रेटिस। और जब ये उनके सच को जुटलाता है कि ये झूठ है, फिर फैसला हो जाता है कि सोक्रेटिस को हमने जहर का प्याला देना है, मारना है। क्यों? क्योंकि ये झूठा है, ये ब्लास्फेमी कर रहा है, ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, ये लोगों के जहन को जहर आलूद कर रहा है। इस बात में हम सोक्रेटिस को हेमलॉक देते हैं, जहर का प्याला देते, और जहर का प्याला देके मार दिया। लेकिन उस प्याले में जहर था भी नहीं, वरना यह बंदा मर जाता, ये बंदा तो मर के जिंदा हो गया। किस बात पे मारा था, कि ये झूठ बोल रहा है। और बाद में हमें पता चला कि सारा ग्रीक झूठ पे खड़ा था, एक ये बंदा सच कह रहा था, एक ये बंदा सच्चा था, बाकी सारा ग्रीक जिस चीज पे उसको मारा था वो झूठ था, ये जो कह रहा था वो सच था। तो फिलॉसफी का फर्स्ट लेसन ये है,
कि अगर 100 बंदे हैं उसमें 99 बंदे एक बात कर रहा हूं और एक बंदा दूसरी बात भी कर रहा, तो आप उस एक बंदे को इजाजत दे के अपनी बात करें। आपको क्या है कि आप 99 हो तो आप ठीक हो सकता है वो एक ठीक हो जो वो बंदा खड़ा है उधर, बस आप मेजॉरिटी में हो तो आपको लगता है कि आप ठीक हो। उसकी भी सुनो जो एक बंदा उधर बात कर रहा है, मारना नहीं उसको। और हिस्ट्री इस तरह एग्जांपल से भरी पड़ी है कि वो जो एक बंदा उधर खड़ा हो जाता है ना वो ठीक होता है, बाकी सारी सोसाइटी झूठ बोल रहा होता है। गैलीलियो का एग्जांपल भी आपके सामने, गैलीलियो को मार दिया ना पोप ने कि बाइबल को झुठला रहा है, उस वक्त का बाइबल झूठा था। जिस बाइबल को वो, जिस चीज को वो प्रमोट कर रहे थे वो अभी दुनिया उस पर एग्री है कि गैलीलियो सच कह रहा था। अभी भी उनके रूह से माफी मांगी जाती है, बाकायदा चर्च उससे माफी मांगता है कि हमसे गलती हो गई। तो फिलॉसफी का ये लेसन है कि अगर ये इस पे अपना जाए कि चूंकि मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो जो एक बंदा कुछ कह रहा है उसको भी सुनो, हो सकता है वो ठीक। तो सॉक्रेटिस को मार दिया है, ठीक है, जहर का प्याला। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उस जहर में तो, उस प्याले में तो जहर था भी नहीं, वरना ये बंदा मर जाता। आज हम उसका नाम ना लेते, वो अब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बार बार ये प्लेटो उस पर बात करेगा। इसलिए मैं आपके जहन में अभी से सॉक्रेटिस भी डाल रहा हूं कि एक बंदा सॉक्रेटिस होगा, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसकी बातें हम करेंगे। प्लेटो उसका स्टूडेंट है अफलातून। अब प्लेटो अपने जहन में एक रियासत बना रहा है और उस रियासत को वो प्रिंसिपल्स दे रहा है। अगर रियासत में इंसाफ का निजाम ऐसा हो, जस्टिस, ये प्लेटो कह रहा है, अगर रियासत में एजुकेशन का निजाम ऐसा हो जो आपको बताएगा, अगर रियासत में रूलर इस नेचर का हो जो आपको बताएगा कि किस नेचर का होना चाहिए, तो वो रियासत क्या होगी? वो एक आइडियल स्टेट होगी। आइडियल स्टेट, प्लेटो एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट पेश कर रहा है, अपनी किताब में लिख रहा है। उसके किताब का नाम है, प्लेटो की किताब का नाम है द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक में जो उसने एक चीज का नक्शा खींचा है, एक रियासत का नक्शा खींचा है, उस रियासत को हम कहते हैं कि ये आइडियल स्टेट, प्लेटो का आइडियल स्टेट है। अगर आपने इंसाफ का निजाम इस तरह किया, एजुकेशन का निजाम ये होगा और बादशाह इस नेचर का होगा और ये चीज ऐसा होगा, हम सारा पढ़ेंगे ये तो आज ओरिएंटेशन क्लास, तो फिर वो कौन सी रियासत होगी? एक आइडियल रियासत होगी। तो प्लेटो जो है ना, आइडियल स्टेट को हम पढ़ेंगे। प्लेटो इज वन ऑफ द ओरिजिनल फिलोसफर्स। प्लेटो ने रियासत का कॉन्सेप्ट हमें दे दिया। अब उस रियासत ने बहुत सारी खामियां होगी, लेकिन ये चीज तो उसने क्रिएट किया। उसे पहले भी रियासत था, लेकिन उसने सिस्टमेटिकली एक सिस्टम, सारे रियासत के जो चीजें होती ना उसको बता दिया, रियासत ऐसी होना चाहिए और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ये आपका आइडियल स्टेट होगा। आप प्लेटो का ही स्टूडेंट आएगा जिसको आप सब जानते हो, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को आप सब जानते हो। एरिस्टोटल इज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो फॉर 17 ईयर्स। ये प्लेटो के एकेडमी में पढ़ता था, और अगर प्लेटो ना होता तो ये भी ना होता। प्लेटो ने इसको क्रिएट किया है। अब एरिस्टोटल भी एक आइडियल स्टेट की बात करेगा, और वो जो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट होगा वो मोर और लेस प्लेटो के स्टेट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। अब देखो, एक मैंने चीज क्रिएट की, फिर आप आ गए कि नहीं इसमें अगर ये चीज ऐसा होना चाहिए, ये चीज, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी थोड़ी ठीक नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बात पहले किसने की थी ना? वो तो मैंने की थी। अब यहाँ पे ओरिजिनल कौन है? तो प्लेटो है। प्लेटो ने एक चीज क्रिएट की, एरिस्टोटल आ रहा है उसमें कीड़े मकोड़े निकाल, लेकिन एरिस्टोटल जो बातें करेगा, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों के फिलॉसफी में?
प्लेटो की जो बातें होगी ना वो बहुत बेहतरीन बातें होगी, बहुत आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वो आइडियल बात होगी। और एरिस्टोटल अपने, देखो अगर आप मुझसे पूछे, प्लेटो इस तरह की बात कर रहा है, अगर आप मुझसे पूछे कि सर पाकिस्तान के इश्यूज को हम किस तरह हल करेंगे, तो मैं शुरू हो जाऊं कि पाकिस्तान के इश्यूज पे बात हो रही है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो तो इकोनॉमिक है, हम सबको पता है कि इकोनॉमिक इशू है सबसे बड़ा, और इकोनॉमिक इशू को हमने किस तरह खत्म करना है। अब मैं ये शुरू हो गया और बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा करें ना कि मलक रियाज को पकड़े और वहां से 20 बिलियन डॉलर तो निकल ही आएंगे, इतना अमीर बंदा है। फिर जरदारी को भी पकड़े, 5-10 तो निकल ही आएंगे। फिर नवाज शरीफ को पकड़े, फिर 2-3 जर्नेलों को पकड़े, फिर 2-3 जजेस को पकड़े, उसको पकड़े, उसको पकड़े। ये देखो मैंने आपके सारे मसले हल किए एक माह में, इतने बिलियन डॉलर आ। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे कि ये करेगा कौन, कैसे पकड़ोगे, कैसे निकालोगे, तो फिर वहां पे मैं खामोश हो जाऊंगा। प्लेटो तो बातें बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन एरिस्टोटल उसको बता रहा है कि आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन टीचर साहब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, ऐसी बात करो जिसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में तो लेकर आ सकते हो, आइडियल बातें ना कर। ऐसी बात अगर बहुत ही अच्छी हो जिसको आप प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं दे सकते तो क्या फायदा। तो एक प्लेटो का स्टेट होगा हम पढ़ेंगे, वो बहुत बेहतरीन होगा लेकिन आइडियल होगा, और एक स्टेट किसका होगा, वो एरिस्टोटल का होगा। और एरिस्टोटल के स्टेट से हम 2-3 चीजें माइनस करेंगे ना, फिर आपको लगेगा कि जैसे एरिस्टोटल ने कल ही ये बात कही, वो इतना मॉडर्न है। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे बात करेगा, वो प्रैक्टिकल बात करेगा जो उसको मॉडर्न बनाएगा, हर एरा के लिए वो फिट हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को पढ़ना है, और ये ग्रीक सिविलाइजेशन है, ये 2500 साल पुरानी होगी। फिर हमने आना है 15th सेंचुरी पे, 15 AD, इस पे आना है। अब ये जो एरा है 400 to 1500 AD, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल लैंग्वेज में इस एरा का नाम है मेडिवल एजेस या मिडल एजेस, आपने नाम सुना होगा मेडिवल एजेस। अब ये देखो हम वेस्ट को पढ़ेंगे, और ये अगर आप देख रहे हो ना मोर देन 1000 ईयर है, 1000 से भी ज्यादा साल। और इस एरा में वेस्ट में कौन सी फिलॉसफी थी, वेस्ट में जो फिलॉसफी थी वो ये थी, ये फॉर मोर देन 1000 ईयर देखो ये फिलॉसफी चलती रही कि ये जो इंसान है ना, इंसान ह्यूमन, ये इंसान है, ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। और ये क्रिश्चियनिटी को हम पढ़ रहे हैं, ये इंसान पहले ही दिन से क्या है, कंडेम्ड। इंसान की शुरुआत इस दुनिया में कंडेमनेशन पे होती है, वो इशारा कर रहे हैं आदम अलैहि सलाम को, और आदम अलैहि सलाम हमारा पहला इंसान है ना इस गोले पे, और जब वो इस गोले पे आता है, इस दुनिया में आता है, व्हाट वाज ही, कंडेम्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हेवन। आप दुनिया में कहां से आए हो, आपको पता है ना, जन्नत से आए हो। तो अगर आपको कोई जन्नत से फेंके और दुनिया में आप चले जाओ, व्हाट आर यू, कंडेम्ड, आपका तो सत्यानाश हो गया। तो इंसान का तो शुरुआत ही सत्यानाश पे होता है, पहले ही दिन से ये कंडेम्ड है, और इस कंडेम्ड इंसान का एक पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन। इस्लाम भी हमें ये कहता है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है,
रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या है? अपने खाले को राजी करो। रिडेम्पशन क्या है? उधर पहुंच जाओ जहां से आपको निकाला गया था। हमें कहां से निकाला गया था? हमारे दादा को कहां से निकाला? जन्नत से। उधर पहुंच जाओ, ये आपकी रिडेम्पशन है और यही जिंदगी का आपका एक ही मकसद है, रिडेम्पशन। तो इंसान ये देखो वेस्ट में समझाया जा रहा है फॉर मोर देन 1000 ईयर कि आप पहले ही दिन से कंडेम्ड, यू आर कंडेम्ड, आपका सत्यानाश हो चुका है। अब आपका एक पर्पस है रिडेम्पशन, अपने आप को रिडीम करो। और ये रिडेम्पशन का जो रास्ता है आपको दो इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करना है। एक इंस्टीट्यूशन का नाम है चर्च, दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम है स्टेट। स्टेट रियासत, स्टेट मींस किंग, स्टेट मींस किंग, किंग और चर्च ने मिलके आपको कहां पे ले जाना है? आपको रिडेम्पशन पे लेकर जाना है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? रिडेम्पशन। आप क्या हो? कंडेम्ड। ये रिडेम्पशन का रास्ता आपको किसने प्रोवाइड करना है? चर्च और स्टेट ने मिलके। अब देखो दो बातें होती है, एक होता है मीन और एक होता है एंड। एक आपका मकसद होता है, एंड होता है, और एक उस एंड तक पहुंचने के लिए मीन होता है, एक जरिया होता है जिसकी वजह से आप उस मकसद तक पहुंचते हैं। आप इधर पे नजर डालें, यहां पे एंड जो है ना वो रिडेम्पशन है, आपको नजर आ रहा है ये मकसद है। और ये जो स्टेट है ना ये एज ए मीन यूज हो रहा है। बादशाह स्टेट को एज ए मीन यूज कर रहा है, नॉट एन एंड। मीन है ये बादशाह के लिए, ये जो स्टेट है एंड तो कुछ और है। एंड क्या है? रिडेम्पशन। अब देखो बादशाह का मकसद क्या होना चाहिए, इमरान खान का मकसद क्या होना चाहिए? अगर आप 1000 बातें भी करो ना, मैं कहता हूं कि नहीं, इमरान खान का सबसे पहले जो मकसद है ना वो पाकिस्तान है। इमरान खान मेरी कब्र की फिक्र ना करें, इमरान खान पाकिस्तान की फिक्र करे, पाकिस्तान को तरक्की दे, पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव बना दे, पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दे, पाकिस्तान की इज्जत होगी तो हमारी भी लोग इज्जत करे। ये इमरान खान का एक लौता मकसद है, सबसे अहम मकसद इमरान खान का पाकिस्तान है, न के मेरी कब्र की फिक्र। और अगर इमरान खान मेरी कब्र के फिक्र पे लग जाए, मेरी रिडेम्पशन पे लग जाए, फायदा किसको है आपको पता है? चर्च का है ना, मौलवी का है? फिर तो मैं सारी बातें वही मानूंगा जो मौलवी मुझे बताएगा, फिर तो मौलवी बहुत पावरफुल हो जाएगा हमारी सोसाइटी। और ये चर्च कर रहा था फॉर मोर देन 1000 ईयर, बादशाह को वरगला रहा था, गुमराह किया था अपने मकसद में बादशाह। कि आपका जो मकसद है ना वो रिडेम्पशन है, नॉट रिडेम्पशन। अब एक बंदा आएगा, अरे देखो ये फिलासफर ऐसा है ना कि उसको एक चीज समझ आ जाती है, यार ये क्या हो रहा है, ये 4000 ईयर लोग उसको सच मान दे कि जिस तरह ये सच हो सच हो सच हो। और एक बंदा आ जाता है निकोलो मैकियावेली, एक इटालियन फिलासफर है मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, मैं क्या पहले ये आ जाता है और उसको ये चीज समझ आ जाती है कि ये चर्च कर क्या रहा है। वो बादशाह के लिए किताब लिखता है, उस किताब का नाम है द प्रिंस, और उसमें बादशाह को नसीहत कर रहा है कि देखो भाई आपका मकसद रिडेम्पशन नहीं है, जिस चीज को आप एज ए मीन यूज कर रहे हो ना, जो स्टेट है ये आपका मकसद है, ये स्टेट आपका कोई मीन नहीं है, ये स्टेट ही तो आपका एंड है, आपका तो
एक ही मकसद है, रियासत। और अगर रियासत आपका मकसद है, जो कि है, मैं कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान है, किंग का सबसे बड़ा मकसद रियासत होता है। अगर ये आपका मकसद है, जो कि है, ये आपका एंड है, ये आपका मीन नहीं है, तो उस एंड के लिए, उस मकसद के लिए आप कोई भी मीन इख्तियार करो वो जस्टिफाई होगा। आपका मकसद क्या है, ये देखो इस किताब में मैकियावेली क्या किंग को समझा रहा है। आपका मकसद स्टेट है, स्टेट किसी और को मत मानो, ये आपको गुमराह कर रहा है। और इस मकसद के लिए आप कोई भी मीन इख्तियार करो, आप कोई भी जरिया इख्तियार करो, वो जस्टिफाइड होगा। किसी चीज को भी यूज करो, किसी चीज को भी यूज करो फॉर द सेक ऑफ स्टेट। ये देखो चर्च आपको यूज कर रहा है, चर्च को यूज करो, चर्च को यूज करो किस चीज के लिए, स्टेट के लिए। चर्च को, चर्च आपको यूज कर रहा है अपने मकसद के लिए, आपने चर्च को यूज करना है स्टेट के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या पता है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पाकिस्तान ना उस बेला। ये तो ये बंदे की फिलॉसफी है, इस बंदे की पॉलिटिक्स है, चर्च को यूज, ये हम चर्च को यूज कर रहे हैं फर्स्ट एंड। ये आपको मजा आएगा ना जब आप ये बंदा पढ़ेंगे, और ये आपको इतने मॉडर्न, अपने जमाने में तो ये पागल लगेगा कि ये पागल है, ये सब आ गया है, ये ब्लास्फेमी कर रहा है। लेकिन उसकी हर एक बात इस जमाने की बात है, इस जमाने में ये बंदा एक्सरसाइज हो रहा है, इस बंदे की अकल पे लोग अमल कर रहे हैं। द प्रिंस को, जिस पॉलिटिशियन ने भी द प्रिंस को नहीं पढ़ा है ना, उसको मैं पॉलिटिशियन मानता ही नहीं हूं। इसलिए उसने एक नाम कमाया है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? निकोलो मैकियावेली। बातें समझ आ रही है या सर के ऊपर से जा रहे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? ठीक है, ठीक है, अब आगे सुनो। आज मैं वैसे आपको जस्ट बता रहा हूं कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर आगे जाके ये बहुत। अब इसके बाद आपकी एक फिलॉसफी आएगी, उस फिलॉसफी का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यस डॉक्टर अनम, यस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी पे तीन बंदे बात करेंगे। एक बंदा होगा थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स। दूसरा बंदा होगा जॉन लॉक। और तीसरा बंदा होगा रूसो। ये तीन बंदे किस पे बात करेंगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आप मुझसे पूछे ना कि सर व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बिटवीन हु? बिटवीन यू एंड द स्टेट। आपका और स्टेट का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना? आप स्टेट से क्या मांग रहे हो? मुझे सिक्योरिटी दो, मुझे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ दे दो, मुझे सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी दे दो, मैं आपके लॉज को फॉलो करूंगा, मैं आपको टैक्स दे दूंगा। ये आपका और स्टेट का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, आपने नहीं किया है, आपके अबाओ अजदाद ने भी नहीं किया है, लेकिन है तो एक वर्ष पर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद।
लेकिन इससे पहले ये तो मसाब से पहले तो दुनिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होता था, वहां पे तो क्या होता था, किंग मोनार्की थी। और बादशाह क्या समझ रहा था कि ये जो मैं बादशाह हूं ना, ये मेरा डिवाइन राइट है। शुड आई बी रिस्पॉन्सिबल टू यू? नो, नॉट एट ऑल। आपने मुझे बनाया है, आपने तो मुझे नहीं बनाया, मुझे तो खुदा ने बनाया। किंग क्या कह रहा था, मुझे तो खुदा ने बनाया है, ये जो मेरा हक है ना, ये तो मेरा डिवाइन राइट है, आप मुझसे नहीं छीन सकते। और अगर मैं बुरा भी हूं, अगर मैं बुरा भी हूं, इसका मतलब है कि तुम लोग बुरे हो और ऊपर वाले ने बुरे इंसान को भेजा। इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो उन्होंने भेजा, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूं? नो, मैं कब्र के कब्र में उसको जवाब दे दूंगा, आप अपना काम करें। ये मेरा कौन सा राइट है? डिवाइन राइट। मुझे किसने भेजा है? मुझे खुदा ने भेजा है। ये किंग लोगों को बता रहा था, इस बात पे टप्पा कौन लगा रहा था? चर्च। इसको खुदा ने भेजा है, इसको खुदा ने भेजा है। इन दोनों का नेक्सस था किंग और चर्च का, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जिस तरह अभी आप बेवकूफ बन रहे हो। आप समझते हो कि आप बने वो, मतलब आप तो कहते हो ना कि वेस्ट बड़ा गुमराह हो गया, वेस्ट गुमराह नहीं हुआ, वेस्ट ने सब कुछ देख लिया। जिसे आज आप गुजर रहे हो ना, वो उससे गुजर चुके, वो थोड़ा हमसे आगे है, आप भी हम भी उसी के रास्ते पे जा रहे हैं। देख, डिवाइन राइट। अब टॉमस हॉब्स इस पर टेक करेगा, आपने हमारे ऊपर रूल करना है, बेशक करें। देखो किंग को बता रहा है, आपने रूल करना है, बेशक करें, बट फॉरगेट अबाउट डिवाइन राइट। आओ हमारे साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर करो, आओ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइन राइट को हम नहीं मानते, आओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर रूल करो। अब वो एक हाथ पे डिवाइन राइट को निगेट करेगा, दूसरे हाथ पे वो कॉन्ट्रैक्ट का हुकूमत बनाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो जिस तरह का हुकूमत बनाएगा ना, वो एक डिक्टेटरशिप होगा, बड़ा स्ट्रांग हुकूमत बनाएगा। इंडिविजुअल की सारे लिबर्टीज, इंडिविजुअल का सारा फ्रीडम, इंडिविजुअल का सारा जो राइट्स है ना, वो सरेंडर करवाएगा बिफोर डिक्टेटर। कॉन्ट्रैक्ट में भी पूरी वो इस तरफ चला जाता है, स्ट्रांग हुकूमत बनाता है, आपको लिबर्टी नहीं देता, आपको राइट्स नहीं देता, आपको फ्रीडम नहीं देता। क्योंकि टॉमस हॉब्स डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सारी लाइफ उसने जंगे देखी है। ये इंग्लैंड का फिलासफर है और इसने अपने लाइफ में इंग्लैंड में एक खतरनाक सिविल वॉर देखा, एक ऐसा सिविल वॉर देखा कि जिसमें चार्ल्स सेकंड को, चार्ल्स सेकंड एक किंग है इंग्लैंड का, उसको लोगों ने जबा किया चौक पे। ये देख रहा है लोग अपने बादशाह को जबा कर रहे, ऐसे लोगों को देख रहा है लड़ते हुए, लड़ते हैं बस पावर के लिए, लड़ते हैं पावर, पावर। 1642 में बहुत खतरनाक सिविल वार आया है इंग्लैंड में, और ये उस वक्त ये देख रहा है, ये सब कुछ अपने आंखों से देख रहा है। अब टॉमस हॉब समझता है ना, टॉमस हॉब समझता है कि ये जो इंसान है ना, इंसान ये मॉन्स्टर है, ये बाय नेचर वही चीज है जो आप नेशनल जियोग्राफिक पे देखते, ये मॉन्स्टर है, और अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो बड़े मॉन्स्टर को लाना होगा इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपने मॉन्स्टर की तरह बनाना होगा, ताकतवर डिक्टेटर, तब ये जो छोटा मॉन्स्टर है ना, ये कंट्रोल होगा, वरना नहीं होगा। अब पार्शली बंदा एग्री भी करता है ना, इंसान अगर इंसान है तो किसने इंसान बनाया? देखो इस्लामाबाद में, पिंडी में आप गए होंगे,
आप ऐसा करो ना कि कोई चौक है, बड़ा चौक, उससे आप इशारे भी बंद करो, उस चौक के जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो बंद करो, और वहां से ट्रिपक वालों को भी हटा दो, फिर देखना कि ये इंसान है, फिर ये इंसान आप देखना, आप तमाशा देखना, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और ब्लॉक, और आप वहां पे या ट्रैफिक सिग्नल को, और ट्रैफिक सिग्नल के साथ एक बंदा ट्रैफिक वाला खड़ा करो, और उसके हाथ में मतलब गलती से कोई पेपर पकड़ा दे कि जो लोगों को नजर आ रहा है कि ये मुझे चलान करेगा, फिर देख थॉमस ये समझता है, थॉमस ने समझाओ इंसान कि ये इंसान जो ना, ये इंसान को डंडे ने इंसान बनाया है, अगर आपने इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना है ना, बड़े मॉन्स्टर को लाओ, तब आपको पीस मिल सकता है, तब आपको ट्रैकबिलिटी मिल सकता है, वरना ये कंट्रोल नहीं होगा। तो वो एक एक वो बना रहे हैं, हुकूमत को एक मॉन्स्टर की तरह बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, अब उसके बाद जो बंदा होगा जॉन लॉक, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन थॉमस हॉब्स जो मर रहा था तब जॉन लॉक पैदा हो रहा था, और जॉन लॉक भी इंग्लैंड का फिलासफर है, लेकिन तब इंग्लैंड की सोसाइटी थोड़ी सुधर गई थी जब बादशाह को जबा किया, उसके बाद थोड़ा बादशाह भी सुधर गया और लोग भी सुधर गए, और जॉन लॉक तब पैदा हो रहा है। और ये देखो ये बात क्या हो रही है, अब जॉन लॉक जो होगा ना, वो इंसान को अच्छा समझेगा कि इंसान तो अच्छा है, मॉन्स्टर तो नहीं है, और वो जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे हमें क्या चीज नजर आएगी, डेमोक्रेसी। आपने थॉमस हॉब्स को पढ़ लिया ना, उसको बिल्कुल उल्टा पढ़े, जो थॉमस हॉब्स कह रहा है कि दीन है, आप कह रहे हो कि रात है, वो कह रहा है कि आसमान है, आप कह रहे हो कि जमीन है, वो जॉन लॉक है, क्योंकि डिक्टेटरशिप का क्वाइट अपोजिट जो सिस्टम है वो क्या है, वो डेमोक्रेसी। और अभी जो आप दुनिया में देख रहे हो ना, बल्कि आपने पाकिस्तान में देख रहे हो कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर है, आपकी नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है, आप लोगों को अपने नुमाइंदों को वोट करते हो, उधर भेजते हो, वो आपके लिए लॉज बनाते हैं, ये किसी कुरान किसी बाइबल में तो नहीं आया था ये वाला सिस्टम, ये तो जॉन लॉक ने दुनिया को दिया है कि इस तरह एक सिस्टम लाओ, इस तरह लोगों को इलेक्ट करो, फिर दूसरे को इलेक्ट करो, फिर दूसरे को। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये, कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना आजकल दुनिया में, ये जॉन लॉक ने ये सोच दिया है दुनिया, इसलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। तो थॉमस हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिक्टेटरशिप पे होगा, वो इंसान को बुरा समझता है, और जॉन लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डेमोक्रेसी पे होगा, वो इंसान को अच्छा समझता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें अटैक किस चीज पे होगा, किंग पे और चर्च पे, ये वही अटैक है। अब पहले ये जो मेडिवल एजेस है ना, ये मिडिल एजेस आ रहे, लोग बेवकूफ बन रहे बन रहे बन रहे बन रहे, फिर उसके आखिर में क्या बन जाते हैं, ये डार्क एजेस बन जाते हैं, एक लड़ाई शुरू हो जाती है, ये जो लोग है ना, ये मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ये लोगों को समझा रहा है, लोगों को किंग और चर्च का जो नेक्सस है ना वो समझा रहा है, जो किंग और चर्च मिलके फॉर 1000 ईयर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इन लोगों ने समझा दिया कि यू आर अ लविंग स्ट्रॉक, आपको तो किसी चीज का नहीं छोड़ा इन दोनों ने। और इसके बाद ये जो लोग आ गए ना, ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, मैकियावेली, इन लोगों ने एक शऊर लाया। थॉमस हॉब्स अपनी किताब 1651 में लिखता है, बड़ा मशहूर किताब है लेपायतन, ये थॉमस हॉब्स की किताब का नाम है लेपायतन, 1651 में लिखा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट देखे, वो मुझे बताएं कि 1648 में कौन सी किताब लिखी गई, 1648 में 3 साल पहले, जो इंग्लिश लिटरेचर में उसका बड़ा नाम है, बताएं दो चार यहाँ पे वो बंदे थे इंग्लिश लिटरेचर के 1648
1648 में एक बहुत बड़ा पोएम लिखा गया है। कौन कौन सा पोएम था? नहीं पता? नो, वो तो पोएम नहीं। पैराडाइज लास्ट, सीधा शाबाश। पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने 1648 में ये लिखा है। और थॉमस हॉब्स ने ये किताब कब लिखा है? 1651 में। कितने साल का फर्क है? 3 साल का। ये वही एरा है। और लोगों में क्या आ रहा है? शोर आ रहा है। आप चेक करें, दोबारा चेक करें, 1648। अब पैराडाइज लास्ट में क्या है? ये इंग्लिश लिटरेचर में एक मास्टरपीस है। इसमें बहुत बड़ी बहावत है। इसमें शैतान को हीरो डिक्लेयर किया है कि ये जो शैतान ने किया ना, आप भी वही करते, मैं भी वही करता। शैतान ने क्या गलत किया था? सिर्फ आपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज किया ना, कि एक अथॉरिटी उसको, अब कोई मतलब, आपको ये कोई भी आपसे पूछे, आप जूनियर को सलूट मारते हो? नहीं मारते। ये देखो, आर्मी में जो जूनियर सीनियर बन जाते हैं, वो जो सीनियर होते हैं ना, वो फौरन रिजाइन देते हैं। ये उसको शोभा नहीं देता कि वो अपने जूनियर को सलूट मारे। तो शैतान ने भी यही किया। शैतान का जो जूनियर था, उसको जो सीनियर बना दिया गॉड ने, तो शैतान ने कहा कि नहीं, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं। आपने मुझे जहन्नम भेजना है, आपने मेरे पर काटने, काट दो। जहन्नम भेजना है, भेज दो। जलील करना है, करो। लेकिन मैं तो ये नहीं करूंगा। मैं अपने जूनियर को सलूट क्यों मारूं? मैं जा रहा हूं, रिजाइन दे रहा हूं आपके इस सिस्टम से, मैं रिजाइन दे रहा हूं। तो ये पैराडाइज लास्ट में तो ये है कि उसने अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया। क्या किया उसने? कोई कोई बड़ी गलती की? और ये तो उसने ह्यूमन नेचर दिखाया। ये तो हमारा भी नेचर है। हम जूनियर को कब सलूट मारते? और वो जब जा रहा है, जब बैंक दिया, ये पैराडाइज लास्ट मैंने पढ़ी है, मैंने लिटरेचर तो मेरा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ी है। जब बैंक दिया और वो आ रहा है, और वो गॉड को, गॉड से बातें कर रहा है, वो जमीन की तरफ आ रहा है, नीचे जा रहा है, पर उसके काटे गए हैं, लेकिन वो बातें कर रहा है कि माई सोल एम्बिशन वॉज टू रूल। ये खुदा को बता रहा है कि मेरा तो एक एम्बिशन था टू रूल। बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। अच्छा है कि मैं जहन्नम में रूल करूं, ना कि जन्नत में आपको सर्व करूं। तो वो पैराडाइज लास्ट में तो ये कि उनके हौसले को दाद दे दो। कितनी बड़ी अथॉरिटी के सामने नो कह रहा है, कितना हौसला है शैतान। और अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहा है, और क्या कर रहा है? आप ये देखो ना, ये उस जमाने में लिखी गई, 1648 में लिखी गई, 1651 में एक और किताब लिखी। जॉन लॉक आता है, जॉन लॉक का एक क्लास फेलो है जिसपे सेब गिरा था, सब जानते हो। न्यूटन, न्यूटन एंड जॉन लॉक, ये क्लास फेलो है आपस में। अब ये बात किधर जा रही है? शऊर, वेस्ट में एक रेनेसांस आ रहा है, एक शऊर आ रहा है, और ये लोग शऊर लेकर आए थे। और वो शऊर किसके खिलाफ, सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज के खिलाफ लेकर आ रहे हैं? किंग और चर्च का जो नेक्सिस है। पहला अटैक कौन करता है? मैकियावेली। दूसरा अटैक कौन करता है? थॉमस हॉब्स। तीसरा अटैक कौन करता है? जॉन लॉक। रूसो तक जब बात आ गई ना, तो फिर तो लोगों से बर्दाश्त भी नहीं हुआ। फिर तो लोग उठ गए और क्या लेकर आए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रूसो इज द पर्सन बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन्होंने लोगों को उबार दिया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसका अगेंस्ट था? बादशाह और चर्च का जो नक्सिस है, इसका अगेंस्ट था। तो ये जो लोगों को एक शऊर समझा दिया कि लोगों, बादशाह की मत सुनो, ये डेमोक्रेसी लेकर आओ, खुद की सुनो। ये दुनिया में जो डेमोक्रेसी आई है, इन लोगों ने लोगों को समझाया, जिसको आप पढ़ रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझाया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर। बात समझ आ रही है ना? अजीब तो नहीं लग रही है ये बात? है, लगने दे मुझे क्या।
नहीं, ये तो मैं वैसे कसम पर आपको बता रहा हूं ना कि जॉन मिल्टन जो था ना वो उधर इंग्लिश लिटरेचर में लगा हुआ है, ये इधर पॉलिटिकल साइंस में लगे हुए हैं, वो जो न्यूटन था वो उधर नेचुरल साइंस में लगा हुआ है, ये एक शऊर है लोगों में आ गया, एक रेनेसांस है जिसके फ्रूट्स आज आप तक का है। लिटरेचर ने तरक्की की, पॉलिटिकल साइंस ने तरक्की किया, साइंस ने तरक्की किया और लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, वो जो सिस्टम था बादशाह और चर्च का। मीन एंड एंड इशारों ये है ना कि एक आपका मकसद होता है ना, मकसद वो आपका एंड होता है, और उस मकसद अब देखो आपका एक मकसद है क्या, टू बी अ सीएसपी, ये आपका एंड है कि आपने सीएसपी बनना है, उसके लिए मीन आपने क्या तैयार किया, सीएसएस का एग्जाम, ये आपका मीन है टू एन एंड, ये आपको एक मकसद तक पहुंचाएगा, ये तो इजी बात है। अब ये हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इन तीनों को हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजों की हरर मूवी फयाज, इतने डरपोक फयाज खान, अच्छा नहीं, मैं तो उर्दू भी सही नहीं बोल सकता ना, मैं तो गुलाबी उर्दू बोलता हूँ, फयासान आपको सुन रहा है ना, रुक जाओ, आपने आप अभी आपने पढ़ना, अभी आपने किधर पढ़ा है मोहम्मद नासिर, ये तो ट्रेलर था ना, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। यस, रूसो की, रूसो इज द पर्सन, तू ड्रामाटाइज ना करो ना, फिर तू जिशान आपको फिर मैं ऐसे पढ़ू कि आप लोग को बोर करूं। जिशान, चर्च एंड किंग, आयशा, चर्च एंड किंग, अच्छा अब ब्रेक फिर करेंगे, 8 बजे करेंगे, ठीक है, या ब्रेक करें फिर उसी को कंटिन्यू करें। आठ बजे करेंगे, ठीक अभी थोड़ा रुक जाए। अच्छा अब इसके बाद जो हम जिस बंदे को पढ़ेंगे, ये स्टेट शाहरुख, अभी अभी छोड़ो शाहरुख, इसको फिर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज मैंने आपको एंड और मीन वाली ये मिख्यावली में हमने यही चीज पढ़नी है और कोई चीज नहीं, डोंट वरी अबाउट। इसके बाद हमने एक तो एक बंदे को पढ़ना है मॉन्टेस्क्यू, उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ के ना, मॉन्टेस्क्यू को, ये भी फ्रेंच फिलासफर है, फिर इसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड वेरी इफेक्टिव फिलासफर, वेरी इंपॉर्टेंट फिलासफर, कि आप जो भी किताब उठाए ना उसके अंदर ये भी बैठा होता है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स को हम लाजमन पढ़ेंगे, और कार्ल मार्क्स में आपको समझा मार्क्स ये किधर है, वो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये आपको क्या समझाना चाहता है, ये आपको डिटेल में समझाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, और आप फिर सोचेंगे यार ये तो वाकई मेरे साथ ही हो रहा है, मैं कितना पागल हूं, मैं कितना बेवकूफ हूं,
कभी मुझे मौलवी बेवकूफ बनाता है, कभी मुझे इमरान खान बेवकूफ बनाता है, कभी ये बेवकूफ बनाता है, ये आपको एक एक चीज समझा देगा आपको आप कितने बेवकूफ, और आप उसके साथ एग्री करेंगे कि यस आई एम फूल। और फिर ये आपको एक ऐसी इनकलाबी फिलासफी है उसका कि आपका दिल करेगा कि मैं जाके पार्लियामेंट की दीवार के साथ या GHQ की दीवार के साथ मैं अपना सर मार दूं, ये मेरे साथ कर क्या रहे। लेकिन ये भी देखना, ये भी रिलीजन वाला बंदा नहीं होगा, ये भी रिलीजन को क्या मानता है कि व्हाट इज रिलीजन। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि ये तो ओपियम है, ओपियम ये तो अफ्यून है। दीन क्या है? अफ्यून है गरीब लोगों के लिए, नशा है। ये आपको नशे में ले आके ना आपसे क्या कुछ नहीं करवाते इस नशे में। फातिमा स्विच ऑफ योर कैम। फातिमा आप बाजार में क्लास ले रही हो, मार्केट में खड़ी हो के कमाल है। अच्छा तो कार्ल मार्क्स को भी हमने पढ़ना है, और कार्ल मार्क्स को हमने समझना है, और कार्ल मार्क्स को हमने इसलिए समझना है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको कार्ल मार्क्स ही आपने पढ़ना है, और वही चीज आपने पढ़नी है। कार्ल मार्क्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये देखो ये गरीब बंदा है, आखिरी वक्त में न उसके पास खाने के पैसे हैं, न उसके पास रहने के लिए घर है, अपने दोस्त का खा रहा है, अपने दोस्त के घर में रह रहा है, अपने दोस्त का पहन रहा है, लेकिन सारा दिन लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहा है, और उसको एक चीज समझ आ जाती है, और वो जो वो चीज दुनिया को समझा देता है ना तो दुनिया समझ जाती है, और उस समझाने से क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन रशिया, इन चाइना, इन क्यूबा, मिलियन लोगों को कार्ल मार्क्स ने मारा है। मार दो, सर उड़ा दो, ये आपको इस चीज पे उबारेगा। लेकिन क्यों मार दो वो भी आपको बताएगा। और कार्ल मार्क्स के साथ हमने कार्ल मार्क्स के टीचर को भी साथ साथ पढ़ना है, हेगल। हेगल अब यहां तक जो फिलासफर है ना, हेगल कार्ल मार्क्स तक, ये मैंने आपको 9 फिलासफर्स बता दिए, और इसके तकरीबन बनते 9-10 क्वेश्चंस। अगर आपके ये भी प्रिपेयर्ड है ना, फिर भी आपका वो फिलासफी वाला पार्ट हो जाएगा। आप पास्ट पेपर में देखो ना, कोई भी आता है लेकिन साथ साथ ये भी होते हैं, और आपने 2 क्वेश्चन करने हो इस पार्ट से, फिलासफी के पार्ट से, और यहां से आपको आ जाएंगे। और ये हमने इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि जिधर भी आप फंस जाएंगे ना, ये लोग आपको रास्ता प्रोवाइड करेंगे, ये लोग आपको गाइड करेंगे, इधर निकलो उधर निकलो, आप कभी बंद गली में नहीं जाएंगे इनको समझ के। फिर थोड़ा सा हमने मॉडर्न फिलासफी भी पढ़नी है। मॉडर्न फिलासफी में हम किसको पढ़ेंगे? पहले इस बंदे को पढ़ेंगे, फूको। ऐसे तो लोग फुकार्ड बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, फूको है, फूको। ये फ्रेंच फिलासफर है, ये मॉडर्न है, 1984 में मर गया। और ये आपको पावर बताएंगे कि पावर, ये पावर क्या चीज है। पावर को आप कुछ और समझते हो, लेकिन ये आपको एक ऐसे एंगल पे लेकर जाएगा, ऐसी चीज आपको बताएगा कि आपको हैरान कर देगा कि यार ये तो वाकई है, सभी है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, इस चीज पे तो आज तक मैंने सोचा ही नहीं था। और जब तक आपने फूको को नहीं पढ़ा है, आपको जेंडर स्टडीज की एक भी थीरी समझ नहीं आती। जेंडर स्टडीज वाले इस बंदे को कॉपी कर रहे हैं, फूको को। फिर हमने पढ़ना है मॉडर्न फिलॉसफी में सार्त्र को पढ़ना है, और सार्त्र की किस फिलॉसफी को पढ़ना है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये बहुत बड़ी फिलॉसफी, एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब 2007 का जो ऐसे पेपर है ना, उसमें सिर्फ ये वर्ड लिखा है, पहला जो ऐसे है ना सिर्फ लिखा है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत बड़ी फिलॉसफी है आज के जमाने की, और ये स्टार्ट होता है एक और फिलॉसफर डेकार्ट। ये भी फ्रेंच फिलॉसफर है, लेकिन ये 17th सेंचुरी का फिलॉसफर है, ये 17th सेंचुरी का फिलॉसफर है, और यहां से ये एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी स्टार्ट होती। फिर ये जो सार्त्र है ना, ये भी फ्रेंच फिलॉसफर है, ये उसको एक अलग रंग देता है। लेकिन ये एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी किससे स्टार्ट हो गई? ये डेकार्ट से स्टार्ट हो गई। और डेकार्ट वो बंदा था ना जो बहुत ज्यादा सोचता था, हर चीज हर वक्त वो सोचता, 7 बजे उठता है और 11 बजे तक बेड पे है, और उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं कि डेकार्ट क्या कर रहे हो बेड पे, और वो क्या जवाब दे रहा है, थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, सोच रहा हूं। और जब आप सोचते हो तो मैंने आपको बता दिया कि फिर आप चीजों के बारे में शक करते हो, और जब आप शक करते हो तब आप तहकीक करते हो, जब आप तहकीक करते हो तब आप फिलॉसफर बनते। तो ये भी सोचता था और शक करता था, ये डेकार्ट सोचता है और शक करता है, सोचता है और शक करता है, कि आखिर में इतने लेवल तक अपने शक को लेकर गया कि अपने ऊपर शक करने लगा, अपने एग्जिस्टेंस पे शक करने लगा कि मैं हूं भी कि नहीं हूं, ये कोई ख्वाब तो नहीं है, ये कोई ख्वाब तो नहीं है, ये कोई डिल्यूशन तो नहीं है, ये कोई इंसेप्शन मूवी तो नहीं चल रही, या मैट्रिक्स मूवी तो नहीं है, ये रियलिटी है। हाउ कैन यू बी श्योर, हाउ कैन आई बी श्योर दैट माय होल लाइफ इज नॉट अ ड्रीम? कैसे मुझे पता? हो सकता है अभी आप सब सो रहे हो, मैं आपके ख्वाब में आया उधर पड़ा रहा हूं, ये भी तो आप हो सकता है। तो अपने ऊपर ये बंदा शक करता है कि मैं हूं भी, मैं हूं भी या नहीं, इस लेवल तक अपने शक को लेकर चला जाता है। फिर वो कहता है कि अपने आप को आंसर भी कर, यार मैं हूं, मैं हूं, क्यों? क्योंकि देखो मेरे सेंसेस काम कर रहे हैं, मेरी सेंसेस, मैं देख भी सकता हूं, मैं सुन भी सकता हूं, मैं टच भी कर सकता हूं। फिर वो कहता है कि नहीं, देखो बाजार में आप यूं जा रहे हो, जा रहा उधर सामने से बंदा आ रहा है, आप यूं मोड़ के देख लेते हो ये तो फलां है, वो नहीं होता आपको वैसे, आप फिर सोच रहे हो यार मैंने क्यों देखा, क्यों इतने गौर से देखा, वो बंदा था भी नहीं, क्योंकि आंखें धोखा देती है। एक स्ट्रेट एक स्टिक होता है, आप उसको पानी में फेंको तो वो करड़ हो जाता है, आंखें धोखा देती है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। I can't trust my senses for my existence. ये तो धोखा देते। फिर वो कहते कि नहीं मैं हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 + 2 = 5, ये 5 हो, और कोई दिमाग में मेरा इवल जीनियस बैठा है और मुझे कंटिन्यूसली चीजों के बारे में मिसलीड कर रहा है, हो सकता है ये 5 हो। मतलब ये इस सोच में ना कि मैं किस चीज को बुनियाद बना के कह सकूं कि मैं हूं। फिर वो एक नतीजे पे पहुंच जाता है कि देखो मैं हर चीज पे शक कर रहा हूं, मैं हर चीज पे शक कर रहा हूं, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं शक कर रहा हूं। When we doubt, we cannot doubt that we doubt. जब हम शक करते हैं ना तो उसमें कोई शक नहीं होता। और अगर मैं शक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं तो हूं,
उसने एक सेंटेंस कहा, एक तीन वर्ड कहे, हो आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये उसने कहा, कागीटो एर्गो सम, कागीटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और ये सेंटेंस मॉडर्न फिलॉसफी की बेस बनी। अब फिलॉसफी के साथ एक, ये देखो ये मेरी बॉडी डिल्यूजन हो सकती है, ये सब कुछ डिल्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सोच मेरा है और मेरा सोच ये प्रूफ कर रहा है कि मैं तो हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं। अब फिलॉसफी के साथ देखो, एग्जिस्टेंस का एक ही एविडेंस है, थिंकिंग। फिलॉसफी के साथ एग्जिस्टेंस का एक ही एविडेंस है, थिंकिंग। क्या खुदा सोचता है? डज गॉड थिंक? आई एम आस्किंग यू, उमेर और रहीम के रहमीन है, हम सोचते किस पे है? हम सोचते पास्ट पे है ना, या फ्यूचर पे सोचते है कि नहीं है? पास्ट और फ्यूचर पे सोचते, क्या ये चीजें खुदा के सामने माने रखती हैं, पास्ट और फ्यूचर? आमना वो मुझे पता है, लेकिन मेरी बात का जवाब नो। मैं मुना मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं नहीं आन कर सकता। ये पास्ट और फ्यूचर का गार्ड के सामने कुछ नहीं है ना, ये तो आपको पता है। तो और क्यों वो सोचे, वो क्यों सोचे? उनको तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सब पता है कि नहीं पता है? पता है ना, सब कुछ पता है। तो वो किस बात पे सोचे? तो देखो, अब फिलॉसफी का मैं पहला अटैक आपको बता रहा हूं, पहला अटैक। देखो मैं कह रहा हूं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, और आप खुद कह रहे हो कि ही डजंट थिंक देयरफॉर डैश डैश डैश। इसको हम क्रिटिसाइज करेंगे ना, लेकिन ये बात तो समझ आ रही है ना, कि अगर वो सोचता नहीं है तो किधर है? यस, इसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन देखो पहला टेक तो इधर से आ रहा है कि फिलॉसफी। और ये बंदा बड़ा अजीब बात कर रहा है ना, ये देखो वो कह रहा है, ये डेकार्ट कह रहा है कि आपका ये जो सर है ना, सर आपका ये दिमाग, इट्स लाइक अ बास्केट, ये बास्केट है आपका दिमाग, क्या है ये बास्केट है, और इसमें जो आइडियाज पड़े हैं ये फ्रेश एप्पल्स हैं, फ्रेश एप्पल्स पड़े हैं, एक आइडिया दूसरा आइडिया फ्रेश एप्पल्स। ये ऐसा है ना जिस तरह आप बास्केट में फ्रेश एप्पल्स डाल दें। अब ये बास्केट है आपका दिमाग, और इसमें जो आइडियाज हैं दे आर लाइक फ्रेश एप्पल्स। अब मैं इसमें एक गंदा सेब डालता हूं, एक रटन सेब इस बास्केट में डालता हूं, आपको पता है ना पूरे बास्केट का क्या हशर करेगा। पता है ना, अगर मैं इस बास्केट में एक गंदा सेब डाल दूं तो पूरे बास्केट को गंदा करेगा कि नहीं करेगा? तो ये आपको समझा रहा है ना, यस, ये आपको समझा रहा है ना कि अपने बास्केट में जब आपने सेब रखना है ना, सेब रखना है,
थोड़ा चेक तो किया करो ना, वो रटन तो नहीं है जो भी आपने बास्केट में, सच जो आपने आइडियाज रखे हैं आपके जहन में, ईमान से बताओ कभी आपने तहकीक किया है जो भी आइडियाज है आपके जहन? नहीं किया? अगर आप कह रहे हो कि यस किया है, झूठ बोल रहे, नहीं किया है, नहीं करना चाहिए, नहीं कर। आप देखो एक पूरे ऐसे टेप को हम डाल रहे हैं अपने बास्केट में और हम देखते भी नहीं है कि रटन तो नहीं है, और एक भी रटन चला जाए ना, एक भी रटन चला जाए, ये पूरे बास्केट को सत्यानाश करेगा। तो ये कहता है कि मैं अपने सारे जो एप्पल्स है ना, इसको मैं उंडेलता हूं, खाली करता हूं अपने बास्केट को, खाली करता हूं, और मैं एक एक को उठाऊंगा, एक एक की देखी करूंगा, और मैं स्टार्ट यहां से लूंगा कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूं कि नहीं, मैं हूं भी कि नहीं हूं। फिर तो बाद की चीजें तो मैं बाद में देखूंगा। ये यहां तक तहकीक कर रहे हैं ये लोग, यहां तक वो आ रहे हैं, और आप, और एक हम और आप हैं, किसी चीज पे तहकीक नहीं कर रहे, बस इधर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। जो कोई भी दूसरा सामने वाला कहता है ना, हम उसको सच मानते हैं, हम उस पर तहकीक करते भी नहीं। रिसर्च हरोन, रिसर्च जो कि हम नहीं करते। अब देखो वो यहां तक तो गया है कि मैं पहले इस एप्पल से स्टार्ट करूंगा कि मैं हूं भी कि नहीं हूं, बाद की चीजें तो मैं बाद में देखूंगा। ये तो ये कह रहा है कि बस मैं हूं, लेकिन ये जो ये बंदा आता है ना सात्रा, ये तो एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक नए लेवल पे लेकर जाता है। और मैं आपको बता दूं ना कि अभी दुनिया में बहुत सारे लोग एथीस्ट हो रहे हैं, इवन इस्लामाबाद में आधा इस्लामाबाद एथीस्ट। क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन कि आपको भी इस तरह कहेंगे, अजीब अजीब बातें करेंगे। और आपने सुनना है आपके कोर्स में बार बार इस पे ऐसे आता है, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, इसका ऐसे एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है इस कोटेशन के पीछे, इस पे ऐसे आया है, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरा, एक ऐसे आया था 2007, तीन चार दफा ये बंदा ऐसे के पेपर में रिपीट हुआ है, इनके कोटेशन और उसके कोटेशन के पीछे यही एक फिलॉसफी होती है जो मैं आपको समझा दूंगा, और रोंगटे खड़े करने वाली फिलॉसफी होगी, और मैं आपको बिल्कुल उस तरफ लेकर जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको उधर छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, मुस्लिम फिलासफी पढ़नी है, और मुस्लिम फिलासफी में हमने पहले किसको पढ़ना है, अल्लामा इकबाल को पढ़ना है, और अल्लामा इकबाल की पहली चीज किसको पढ़ना है, खुद ही को पढ़ना है। और ये जब आप पढ़ेंगे ना, आप तो अशार पढ़ते हो, खुद ही को करबला लिखना के अर्थ दीजिए, खुदा बंदे से खुद मुझे बताते, यू डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग, आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी गहरी बात कर रहे, और मैं आपको उस गहराई में लेकर जाऊंगा कि आप ये होती, और आपका जो गया हुआ ईमान होगा ना उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इसमें भी फिलॉसफी होगी, इसमें भी लॉजिक होगा, और ये भी बहुत गहरी बात होगी, समझ आ रहा है? फिर आपका अब ये दोबारा पढ़ के ना हम मुसलमान हो जाएंगे, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि न तो आपको एथीस्ट धोखा दे सकेगा और ना आपको कोई मौलवा मौलवी धोखा दे सकेगा, कि कोई मौलवी अपनी तरफ से कोई भी बात करे और आप उस पे, आप उस सेब को अपने अंदर डाल, अपने दिमाग में डाल, आप इस काबिल नहीं रहेंगे। आपको मैं शक की बना दूंगा, शक की मिजाज, और बनना चाहिए आपको हर चीज पे आप बिलीव करें, मतलब हर चीज पे आप कि ब्लाइंडली हर चीज को फॉलो करें, ये तो आपको नहीं होना चाहिए। आप जब ये फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, सच से आपका भरोसा उठ जाएगा, ये तो सच है ही नहीं।
ठीक है, तो हमने फिर इस्लामिक फिलासफी पढ़नी, अभी थोड़ा ब्रेक करें फिर इसी को हम कंटिन्यू करें। ब्रेक करना है आप लोगों ने? ठीक है, बस 8:20 तक आ जाए, ठीक है 8:20 तक आ जाए। यस ठीक है, सी यू एट 8:20, हर कोई आ जाए, ठीक है, हमने आगे भी जाना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो हम फिर पढ़ेंगे मुस्लिम फिलासफी को भी पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल के खुदी को पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल के डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल के मिल्लत को पढ़ेंगे, ये सारा अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे। फिर अल्लामा इकबाल के बाद इब्ने खलदून, ये बंदा लाजमन पढ़ेंगे। आप बार बार पास पेपर में इसका क्वेश्चन देखेंगे, उसका एक ही क्वेश्चन आता है, असबिया। हम इब्न खलदून का असबिया पढ़ेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। ये बार बार आप पास पेपर में अगर आप उस पर नजर करें तो ये इब्न खलदून लाजमन उसमें आता है, ये वाला क्वेश्चन इब्न खलदून का उसमें लाजमन होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक तीन फिलासफर हैं, अलफराबी हैं और अलफराबी और उसके बाद अलगजाली और फिर इब्न खलदून, सॉरी इब्न रुश्द। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, ये मैं आपको समझा दूंगा कि क्या कनेक्शन है। अलफराबी बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक वर्ल्ड में, फिर अलगजाली का तो आपने नाम सुना होगा, इमाम गजाली, और उसके साथ ये जो तीसरा मुसलमान है, ये गोरा मुसलमान है, ये स्पेन में पैदा हुआ था, इब्ने रुश्द। ये तीनों फिलासफर हैं, इनका मैं आपको जो आपस में ताल्लुक है ये समझा दूंगा कि ये तीन आपस में किस तरह एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे कि इस टाइप के भी मुसलमान थे। अलफराबी जो खुद को मुसलमान कहता है और नमाज भी पढ़ता है और रोजे भी रखता है और 5 वक्त मस्जिद में भी होता है, लेकिन जो उसके आइडियोलॉजी को आप पढ़ेंगे ना कि वो किस तरह के आइडियोलॉजी को मतलब फॉलो करता था और प्रमोट करता था, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये किस तरह के मुसलमान थे। इसके साथ फिर मैं आपको वो जो उस जमाने के बादशाह हैं, हारून रशीद, ममून रशीद, उस पर भी थोड़ी बातें करेंगे, और ये आपको मजा आएगा ना जब ये अलफराबी बात करेगा, फिर अलगजाली उसको नेगेट करेगा और फिर अलगजाली को इब्न रुशद नेगेट करेगा अलगजाली की बात को। तो इन तीनों का आपस में कनेक्शन है,
अल्फराबी के साथ एक और भी बंदा है लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इब्ने सीना। इब्ने सीना और अल्फराबी एक जमाने के लोग हैं, और अल्फराबी ने ही दुनिया, जो अभी हमने प्लेटो का नाम लिया, एरिस्टोटल का नाम लिया, अगर अल्फराबी ना होता ना तो दुनिया इन लोगों को ना जानती, ये हिस्ट्री में दब चुके थे, लेकिन अल्फराबी ने उनको दोबारा जिंदा किया, उनके ऊपर इतने कमेंट्रीज लिखी कि दुनिया को समझा दिया कि एरिस्टोटल क्या कहना चाहता है और प्लेटो क्या करना चाहता है। तो ये हम इस्लामिक फिलासफी भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ वो वेस्टर्न फिलासफी भी पढ़ेंगे, और उसके साथ जो पेपर फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, और वो आपने लाजमन ही पढ़ने हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। उसमें ऐसी चीजें हैं कि रियासत क्या होती है, गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है, और सॉवरेंटी क्या होती है, लिबर्टी क्या है, ये चीजें, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये चीज़ आपको वैसे भी आनी चाहिए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। ये आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में हमने ये चीजें पढ़नी है। एक पार्ट वो फिलासफी वाला होगा और दूसरा पार्ट ये होगा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब जो आपका पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड में अगर आप देख लेना तो उससे भी आप डर जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें 10 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, और फिर आप सोचते हो कि यार एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है, 280 आर्टिकल है, फिर मलेशिया का, फिर जर्मनी का, फिर यूके का, फिर यूएसए का, फिर इंडिया का, फिर चाइना का, फिर फ्रांस का, फिर टर्की का, फिर ईरान का, इतने सारे 10 कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं आपको बता देना कि हम फोकस करेंगे थीम पे, अगर वो तीन आपके प्रिपेयर्ड है ना, तीन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। और वो तीन क्या है, पहले हम पढ़ेंगे यूके को, हम स्टार्ट भी यहाँ से लेंगे, जब हमारी सेकंड क्लास होगी ना तो हम यूके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ेंगे, उसमें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर यूके के बाद किसको पढ़ेंगे, यूएसए को, और फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक और बंदा होगा, माज साहब होगा या जफर नकवी साहब होगा, वो आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएगा। 4-5 क्लासेस इस पे लगाएगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे 4-5 क्लासेस लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, यूके का, यूएसए का, पाकिस्तान का, तो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो 2 क्वेश्चन अगर आपने ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो वो 2 क्वेश्चन यहाँ से लाजमन भी आते हैं। इक्का दुक्का कहीं और से भी आ जाता है लेकिन यहाँ से लाजमन भी आता है। और आपने यूके का पढ़ लिया ना और यूके को समझ लिया, तो आप इस तरह समझे ना कि आपने पाकिस्तान को भी समझ, आपने पाकिस्तान को भी पढ़ लिया, आपने इंडिया को भी पढ़ लिया, आपने मलेशिया को भी पढ़ लिया, और आपने जर्मनी को भी पढ़ लिया। ये एक युग के साथ आपके ये सारे सिस्टम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम क्या है, पार्लियामानी निजाम है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक ढांचा होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है पार्लियामानी निजाम, किस तरह चलता है और किस तरह ये बनता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है। तो मैं आपको यूके का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा दूंगा, एग्जैक्टली वही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी है, एग्जैक्टली उसी तरह प्राइम मिनिस्टर इंडिया का भी है, एग्जैक्टली उसी तरह प्राइम मिनिस्टर मलेशिया का भी है, और एग्जैक्टली उसी तरह जो चांसलर है वो जर्मनी का भी है। ये सारे पावर एंड फंक्शंस में इक्वल है, जो उसका क्वीन है हमारा प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, हम यूके को ही कॉपी कॉपी कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान और मलेशिया और जर्मनी, ये किसको कॉपी कर रहे हैं, इनके पार्लियामानी निज़ाम है, और पार्लियामानी निज़ाम का जो फाउंडर है, जो पार्लियामानी निज़ाम की माँ है, वो यूके है, यूके ने इस सिस्टम को जन्म दिया था और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बता दूं तो वो किस तरह है, हमने वो जो पिज़्ज़ा है, पूरा जो पिज़्ज़ा है वो यूके से हमने उठाया है, उस पिज़्ज़े के ऊपर थोड़ा अमेरिकन चीज़ हमने डाला है, बस ऊपर थोड़ा अमेरिका का हमने चीज़ डाला है, मसाले डाले हैं, बाकी सारा वो सिस्टम यूके का है। तो आपको, मैं आपको यूके पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा कि जैसे मैं आपको पाकिस्तान पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको ऐसे लगेगा। और आपने यूएसए को पढ़ लिया तो आपने मोर और लेस फ्रांस को भी पढ़ लिया, आपने मोर और लेस
टर्की को भी पढ़ लिया और आपने मोर और लेस ईरान को भी पढ़ लिया, क्योंकि ये सारे सिस्टम क्या है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये सदारती निजाम है, और सदारती निजाम का एक अलग ढांचा होता है। वो फ्रांस भी उस ढांचे पे है, टर्की भी उस ढांचे पे है, और मोरालेस ईरान भी उस ढांचे पे है, और जो ढांचे का जो फादर है, जो फाउंडिंग फादर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, वो यूएसए है, वो अमेरिका है। और मैं आपको अमेरिका समझा दूंगा तो आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी समझ आ जाएगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो इस तरह होता है, इसमें ये चीजें होती है। तो ये अब बीच में रह जाता है ना चाइना, वो थोड़ा अलग सिस्टम है। तो चाइना भी मैं आपको तीन दो तीन चीजें मैंने आपको समझानी है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से, और वही दो तीन चीजें का अच्छा जब भी चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है तो वो दो तीन चीजें आते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं आता। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, और इसमें ये भी नहीं है कि आप इस पे पनिश होंगे कि आपने यहाँ पे बात की तो आपने आर्टिकल का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पोलिटिकल साइंस है और पोलिटिकल साइंस प्रिंसिपल पे चलता है, इतना लॉ पे नहीं चलता। हाँ, अगर आप इक्का दुक्का आर्टिकल्स के नाम भी लेते हो तो उसमें कोई वो मतलब आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स का नाम, देन यू विल नॉट बी पनिश्ड। लेकिन इसके बरकस जो पेपर है, जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बता रहा था, उसमें फिर आपने आर्टिकल्स के नाम भी लेने होंगे, लास्ट में लाने हैं कि आप जो ये बात कर रहे हो आप किस बुनियाद पे कह रहे हो, किस कानून के तहत आप ये बात कर रहे हो, क्योंकि ला होता है और ला की एक अपनी पैटर्न होती है, अपना पैराडीम होता है, अपना उसका एक स्टाइल होता है। उस स्टाइल से अगर आप उस पेपर को हल करेंगे ना तो उसको बहुत मुश्किल बनाता है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया। लेकिन जो यहाँ पे ला के स्टूडेंट है उनको तो पता है कि ला क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन ला क्या है, उसने तो पहले भी पढ़ा है, ये सारे केसेस पढ़े। तो मैंने आपको ये पढ़ाना है पेपर सेकेंड में, ये 10 कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाने हैं, ये 10 कंट्रीज के इक्का दुक्का चीजें मैं आप पे भी इसमें भी छोड़, पहले मैं आपको प्रिपेयर करूंगा कि हाउ टू स्टडी अ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जब ये पढ़ेंगे ना यूके और यूएसए के बाद, आप दुनिया के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो, बस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें देखनी होती है वो मैं आपको बता दूंगा कि पोलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपने ये चीज देखनी है बस, और कुछ नहीं। तो आप दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फिर खुद बैठ के पढ़ सकते हो। एक दफा मैं आपको ये दो कॉन्स्टिट्यूशन समझा दूं, और हम स्टार्ट भी यहाँ से लेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जो आपका पेपर सेकंड का हिस्सा है उसमें एक चैप्टर है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइज, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाना है, इसके लिए स्पेशल टीचर हमने रखा है, दो टीचर्स हैं उसमें से एक आपको पढ़ाएगा इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पोलिटिकल साइंस। उसके बाद ये दूसरा जो पार्ट है वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, वो भी मैंने आपको नहीं पढ़ाना है, वो भी एहसान करीम साहब हैं उन्होंने आपको पढ़ाना है, सबको उन्होंने पढ़ाना है, और वो भी आप पॉलिटिकल साइंस का भी हिस्सा है और उधर पाकिस्तान अफेयर्स का भी हिस्सा है। फिर पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है कि पाकिस्तान मूवमेंट, ये जो अलीगढ़ तहरीक है, सैयद अहमद खान है, कायद आजम है, अल्लामा इकबाल है, वो भी मैंने आपको नहीं पढ़ाना है, वो भी आपको सर अली मोहम्मद अली साहब पढ़ाएंगे या कोई और पाकिस्तान अफेयर का टीचर पढ़ाएगा, लेकिन वो आप उधर से पढ़ लेंगे बस। इसी पे फिर आपका ये पेपर सेकंड, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है, पाकिस्तान से इकोनॉमी, ये आपको सरफरीद समझाएंगे, सरफरीद पढ़ाएंगे कि एकेडमी की पॉलिसी है कि दो बंदे एक चीज ना पढ़ाए, ओवरलैपिंग ना हो जाए। तो ये पेपर सेकंड में मैंने आपको सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन समझाने हैं, ये 10 कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद ये जो बाकी पार्ट्स हैं पेपर सेकंड के वो आपके बाकी टीचर्स हैं, कोई पाकिस्तान अफेयर्स वालों ने पढ़ाना है, कोई करंट अफेयर्स वालों ने पढ़ाना है, ठीक है। और आप किताबों की बात कर रहे थे तो बुक्स ये है ना कि देखो आपके जो रिकमेंडेड बुक्स हैं 6-7 बुक्स वो मैंने इकट्ठे किए हैं, किसी से 2 चैप्टर, किसी से 3 चैप्टर, किसी से 4 चैप्टर, जो आपको चाहिए। उसने बुक का नाम लिया है एफपीएससी ने, लेकिन वो सारा बुक तो आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वो सारा बुक तो आपने पढ़ना भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो जो चीजें आपने वो पढ़नी है उस बुक से, वो आपको उस नोट्स में आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपके लिए। और अगर आपने वो नोट्स नहीं पढ़ने हैं तो उस नोट्स में जो किताबें हैं पेपर
आपने वो पढ़ना है, ठीक है, उस नोट्स में जो किताबें मिल, तो आपके नोट्स का मुझे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, लेकिन आप लोगों के इजीपन के लिए, कि आपके लिए थोड़ा इजी हो, तो मैंने उन सारे किताबों को पेजेस को कॉपी किया है और कंपाइल किया है और आपके लिए एक किताब की शक्ल दी है कि ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। अगर आपने वो लेने हैं ले ले, और अगर नहीं लेने हैं तो उन नोट्स में जो किताबें हैं वो फिर आपने खरीदने हैं, लेकिन 6-7 किताबें आपने फिर खरीदने हैं। आ गई मेरी बातें समझ? मेरे नाम से मोहम्मद तो मेरे नाम से सरामेर के नाम से नोट से पॉलिटिकल साइंस के, यस मरियम, यस मरियम सवा, यस नोवा से ही मिल जाएंगे ना आपको, कहीं और से तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुबशर, मुबशर वो पढ़ना नहीं है, जब तक मैं आपको ना पढ़ा ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार पॉलिटिकल साइंस कितना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको टीचर की जरूरत तो है किसी भी चीज को पढ़ने का, आपको टीचर की जरूरत है। नहीं सॉफ्ट कॉपी नहीं है ना, मैंने हार्ड, मैंने किताबों से बनाए हैं हिजरा, मैंने किताबों से बनाए हैं ना, किताबों के पेजेस को मैंने कॉपी किया है। हाँ ठीक है, और तो कोई आपका कोई वो नहीं है, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो? आई होप कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना इस सब्जेक्ट के बारे में, जो भी आप कंफ्यूज। और ये जो रट्टे की बात है कि रट्टा है इसमें, अब मैं आपको बताता हूँ ना, ये जितने भी आप मेरे साथ, मेरे आपके साथ क्लासेस होंगे ना, इसमें अगर एक सेंटेंस भी आपको रट्टा नजर आए ना, तो फिर आप कहेंगे आपको गलत करता। हाँ थोड़ी सी बात है कि पाकिस्तान के 342 बंदे हैं नेशनल असेंबली में, इस तरह तो आप एमसीक्यूज के लिए, तो आप कहीं कोई भी सब्जेक्ट हो ना उसके वो रट्टे लगाते हो एमसीक्यूज के लिए, लेकिन इस तरह कोई रट्टे नहीं है, ठीक है, इस सब्जेक्ट ये फिर आपको पता चल जाएगा उष्बा, ठीक है, गवर्नेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सॉफ्ट कॉपी में नहीं है ना मोहम्मद नासिर, सॉफ्ट कॉपी में होता ना तो, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने पेजेस बनाए, पेजेस को कॉपी करके उधर कंपाइल किए, उस पेजी से फिर आपको, आपके लिए नोट्स बनाते हैं वो जो बुक शॉप वाला है। नहीं एमसीक्यूज नहीं है ना, एमसीक्यूज आप ऐसा करना कि 5-6 साल के पास पेपर के एमसीक्यूज देख ले, गूगल पे सालों एमसीक्यूज मिलते हैं ना, वही एमसीक्यूज फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। एमसीक्यूज भी यहाँ पे 150 एमसीक्यूज है, उनको आगे पीछे कर रहे हैं, कोई नया एमसीक्यू भी नहीं है, ठीक है। आपके पॉलिटिकल साइंस का फायदा ये भी होगा कि आपके 40 के 40 एमसीक्यूज भी ठीक हो सकते हैं, अगर आप थोड़े 5-6 साल के पास पेपर के एमसीक्यूज को हल करें बस, ठीक है ना सर? बस आज मैंने सिर्फ ये ओरिएंटेशन करानी थी इस सब्जेक्ट की, और कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाना था, टॉपिक हम फिर सेकंड क्लास से वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो बस आप फिर जा सकते हो, मुझे भी फिर इजाजत है। अच्छा मोहम्मद तुसी, ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो मैं आपको यूके पॉलिटिकल सिस्टम समझा दूंगा, और बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको 100% जो मैं आप पढ़ाऊंगा वो आपको 100% समझ आ जाएगा, और आप इसके काबिल बन जाएंगे कि आप आगे भी लोगों को पढ़ाए, ये इतना इजी सब्जेक्ट है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, See you in next class.